सामवेद, सामवेद का सुबोध अनुवाद, पूर्वार्चिकः, छंद आर्चिकः, आग्नेयम् कांडम्, अथ प्रथमोऽध्यायः, प्रथमः खण्डः। हे अग्नि, हवि भक्षण करने के लिए तू आ, देवताओं को हवि देने के लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू यज्ञ में ऋत्विज होता हुआ यज्ञ में आसन पर बैठ। जाना, गति करना, उत्पन्न करना, उपभोग करना, खाना, साफ करना, बांटना, देवताओं को हवि पहुंचाना, हवि देना, बुलाने वाला, देवों को अपने पास लाने वाला, आसन, अंतरिक्ष, जल, यज्ञ। हे अग्नि, तू सब यज्ञों में देवताओं को बुलाने वाला है और देवों ने ही तुझे मानवीय जनों के बीच में स्थापित किया है। हम सबको जानने वाले, देवों को बुलाने वाले, इस यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले, इस अग्नि को दूत मानकर स्वीकार करते हैं। विशेष प्रकार की स्तुति से प्रसन्न हुआ, उपासकों को धन देने की इच्छा वाला, अच्छी तरह से प्रकाशित, शुद्ध और सहायतार्थ बुलाया गया यह अग्नि घेरने वाले शत्रुओं का नाश करता है। तुम्हारे अत्यंत प्रिय प्रिय मित्र के समान प्रेम करने वाले, अतिथि के समान पूज्य अग्नि की धन देने वाले, रथ की जैसे स्तुति की जाती है उसी प्रकार मैं स्तुति करता हूँ। हे अग्नि, तू सभी शत्रुओं से और द्वेष करने वाले मनुष्यों से बड़े बड़े साधनों से हमारा संरक्षण कर। हे अग्नि, तू आ, तेरे लिए ही इस प्रकार की दूसरी स्तुतियां मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। इन सोम रसों से तू बढ़ महान हो। हे अग्नि, यह तेरा पुत्र तेरे मन को बहुत श्रेष्ठ स्थानों से भी अपने वश में करता है। हे अग्नि, अपनी स्तुति से तेरी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। हे अग्नि, अथर्वा ने तुझे सब विश्व के आधार परम भूत श्रेष्ठ पुष्कर से मत करके प्रकाशित किया। हे अग्नि, हमारी उत्तम रक्षा के लिए निवास करने के योग्य घर हमें दे। हमें मार्ग को दिखाने वाला तू ही देव है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे अग्नि, हे देव, मनुष्य तुझे बल के लिए नमस्कार करते हैं, अपनी शक्ति से शत्रु का नाश करता है। हे अग्नि, सब धनों के स्वामी, हवि को ले जाने वाले, अमर दूत तथा अत्यधिक यज्ञ करने वाले अग्नि को तुम्हारे लिए मैं अपनी प्रार्थना से अनुकूल बनाता हूँ। हे अग्नि, हवन करने वाले की बहिन के समान प्रिय स्तुति तेरे गुणों को प्रकट करती हुई वायु के पास ले जाकर स्थापित करती है। हे अग्नि, प्रतिदिन रात दिन हम बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए तेरे पास आते हैं। हे स्तुति से ज्ञात होने वाले अग्नि, प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए पूज्य दुष्टों को रुलाने वाले तेरे लिए सुंदर स्तोत्र गाए जाते हैं, उन्हें तू जान। हे अग्नि, उस उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में संरक्षण के लिए तुझे बुलाया जाता है। हे अग्नि, तू मरुतों के साथ आ, अयाल वाले घोड़े के समान जो हिंसा रहित यज्ञ में उत्तम प्रकार प्रकाशित होने वाले तुझ अग्नि को नमस्कारों से हम वंदना करते हैं। समुद्र में रहने वाले शुद्ध अग्नि की और भृगु के समान तथा अपनवान के समान मैं स्तुति करता हूँ। मन लगाकर अग्नि को जलाने वाला मनुष्य अपनी श्रद्धा को प्रदीप्त करता है और सूर्य किरणों के साथ अग्नि को भी प्रज्वलित करता है। द्युलोक में जो प्रकाशित होता है उसी प्राचीन बल से युक्त दिन के प्रकाश को लोग देखते हैं। यह दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। तुम्हारे अहिंसा पूर्ण यज्ञों का नाश न करने वाले, अति श्रेष्ठ बलवान, सबको बढ़ाने वाले अग्नि के पास सेवा करने के लिए जा। अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से सब स्वयं खाने वाले शत्रु को नष्ट करता है। वह अग्नि हमें धन देता है। हे अग्नि, तू हमें सुखी कर, तू महान है। ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्य के पास जा और आसन पर बैठने के लिए तू आ। हे अग्नि, पापी और हिंसक शत्रु से हमारा संरक्षण कर और बुढ़ापे से रहित तू अपने तेजों से जला दे। हे अग्निदेव, तेरे उत्तम घोड़े हैं जो वेग से पूर्ण होकर तुझे ले जाते हैं, उनको अपने रथ में जोड़। हे शरण में जाने योग्य प्रजाओं के पालक, सबके सहाय के लिए बुलाए गए हे अग्नि, हम तेजस्वी उत्तम वीर तेरा ही ध्यान करते हैं। यह अग्नि सबसे मुख्य स्थान पर रहने वाला है,
वह द्युलोक का उच्च भाग है और पृथ्वी का पालन करने वाला है। वही कर्मों का फल देकर सबको प्रसन्न करता है। हे अग्ने, तू हमारे इस नवीन अन्न को और गायत्री छंद में किए गए स्तोत्र को देवों में पहुंचा। उस तुझे गोपवन ऋषि ने अपनी स्तुति से उत्पन्न किया। हे शरीर के अंगों में रस रूप में रहने वाले, पवित्र करने वाले अग्ने, वह तू हमारी प्रार्थना सुन। अन्नों का स्वामी ज्ञानी अग्नि हवनीय पदार्थों को स्वीकार करता है और दानशील मनुष्य को रत्न देता है। विश्व को सूर्य दिखाने के लिए उसकी किरणें, जिससे वेद उत्पन्न हुए हैं, उस देव को अच्छी तरह धारण करती है। हिंसा रहित यज्ञ में सत्य धर्म से युक्त ज्ञान की अग्नि स्तुति कर। वह रोग नष्ट करने वाला है। हमें इच्छित सुख देने के लिए दिव्य जल कल्याणकारी हो, हमारे पीने के लिए सुखदायी हो, हमें सुख और शांति देते हुए जल प्रवाह बहे। हे सत्य के पालन करने वाले, निश्चय से किसकी बुद्धि से सम्मिलित होकर तू आनंदित होता है, जिसके कारण तेरी स्तुति ज्ञान का दर्शन करने वाली होती है। यहाँ तृतीय खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। तुम प्रत्येक यज्ञ में और प्रत्येक स्तोत्र में बलवान अग्नि की प्रशंसा करो। हम सबको जानने वाले अमर अग्नि की प्रिय मित्र के समान प्रशंसा करते हैं। हे अग्नि, एक प्रार्थना से हमारा संरक्षण कर और दूसरी प्रार्थना से भी हमारी रक्षा कर। हे अन्न के स्वामी, तीसरी प्रार्थना से हमारा रक्षण कर। हे सबको बसाने वाले अग्नि, चौथी प्रार्थना से भी हमारा पालन कर। हे अग्निदेव, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से तू प्रकाशित है, शुद्ध तेज से तू प्रकाशित हो। हे तरुण, धनवान और पवित्र करने वाले देव, भरद्वाज के लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तू प्रकाशित हो। हे अग्ने, तुझमें उत्तम रीति से हवन करने वाले विद्वान तुझे प्रिय हों। जो धनवान प्रजाजनों पर शासन करते हैं, वे गायों के समूह का पालन करते हैं। हे ज्ञानी अग्निदेव, तू प्रजापालक है, राक्षसों को संताप देने वाला है। हे घर के स्वामी, तू बाहर कहीं न जाने वाला, घर में ही रहने वाला महान है और द्युलोक का रक्षण करने वाला है। हे अमर अग्निदेव, उषा से प्राप्त होने वाले विलक्षण धन को दानशील आदमी को दे। हे सर्वज्ञ अग्ने, तू आज प्रातः काल उठने वाले देवों को ले आ। हे सबको बसाने वाले अग्निदेव, तू अद्भुत शक्ति वाला है, तू अपने संरक्षा के सामर्थ्य से धनों को हमारे पास पहुंचा। तू इस धन को रथ के द्वारा लाने वाला है, तू हमारे पुत्र आदियों के लिए प्रतिष्ठा दे। हे अग्ने, हे रक्षण करने वाले, तू निश्चय से बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए तू सत्य और ज्ञानी है। हे तेजस्वी अग्ने, तेरे प्रज्वलित हो जाने के बाद ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं। हे पवित्र करने वाले अग्ने, तू हमें प्रशंसनीय बढ़ाने वाले धन को दे। हे ज्ञान संपन्न, उत्तम नीति से मार्ग से जिसकी बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे उत्तम यश देने वाले धन को हमें दे। जो सब धन देता है, जो मनुष्यों में देवों को बुलाकर उन्हें आनंद देने वाला है, इस अग्नि के लिए सोम के पात्र जैसे प्रथम दिए जाते हैं, उसी प्रकार स्तोत्र दिए जाते हैं। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। इस अग्नि से बल को क्षीण न होने देने वाले, प्रिय और चेतना को देने वाले, मुख्य उत्तम और हिंसा रहित यज्ञ करने वाले, सबको ज्ञान देने वाले अमर अग्नि को मैं बुलाता हूँ, उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे अग्ने, जंगलों में, भूमि में अथवा माता के गर्भ में गुप्त रूप से रहता है, मनुष्य तुझे उत्तम रीति से प्रदीप्त करते हैं। आलस्य को छोड़कर हवन करने वालों की हवियों को तू देवों तक पहुँचाता है और देवों में तू प्रकाशित होता है। धर्म के मार्गों को उत्तम प्रकार से जानने वाला अग्नि दिखने लगा है, जिसमें सब नियम किए जाते हैं। उत्तम प्रकार से प्रकट हुए आर्यों को बढ़ाने वाले अग्नि को हमारी स्तुतियां प्राप्त हों। उक्त यज्ञ में अग्नि को सबसे पहले स्थापित किया जाता है। हिंसा रहित यज्ञ में सोम कूटने के पत्थर रहते हैं, आसन भी फैलाए जाते हैं। हे मरुतों, हे ब्रह्मणस्पते, हे देवों, वेद मंत्रों के द्वारा मैं तुमसे श्रेष्ठ
संरक्षण मांगता हूँ। जिसकी ज्वालाएं प्रज्वलित हो चुकी हैं, ऐसे अग्नि की अपने रक्षण के लिए स्तोत्रों से स्तुति कर स्तोता अग्नि की धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रसिद्ध अग्नि की मनुष्य उत्तम प्रकाश युक्त घर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रार्थना सुनने वाले अग्नि, हमारी प्रार्थना सुन। समान गति से युक्त दिव्य अग्नि के साथ मित्र और अर्यमा सवेरे जाने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर आकर बैठें। शक्ति में इंद्र के समान दिवोदास का अग्निदेव पृथ्वी माता पर अनुकूलता से प्रकाशित हुआ। उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वर्ग के आश्रय से रहने लगा। हे अग्नि, पृथ्वी पर अथवा अत्यंत तेजस्वी द्युलोक पर अपने तेज से बढ़। हे उत्तम यज्ञ करने वाले अग्नि, अपनी वाणी से मेरे संबंधी जनों का पोषण कर। हे अग्नि, तू वन की इच्छा करने वाला है। तू जो माता के समान जलों के पास गया, वह तेरा जाना हमसे नहीं सहा गया, क्योंकि तू दूर होता हुआ भी यही रहता है। हे अग्नि, मननशील मनुष्य तुझे धारण करता है। प्राचीन काल से आने वाले मनुष्यों के लिए तेरी ज्योति प्रकाशित है। ज्ञानवान ऋषि के आश्रम में तू प्रकाशित होता है। यज्ञ के लिए उत्पन्न होने पर तू और अधिक प्रज्वलित किया जाता है, जिसको मनुष्य नमन करते हैं। यहाँ पंचम खंड समाप्त हुआ। षष्ठ खंड। तुम्हारा देव धन देने वाला है, अतः वह अच्छी तरह भरे हुए सुचा को स्वीकार करे और तुम ऊपर से घी डालो और बार बार सुचा भर भर कर आहुति दो। इसके बाद ही वह देव तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ज्ञान का स्वामी वह देव हमारे पास आवे, सत्य रूप वाली सरस्वती देवी हमारे पास आवे। हमारे यज्ञ में सब देव मानव जाति के हित करने वाले, अपनी सेना की पंक्ति को यशस्वी बनाने वाले वीर को उत्तम मार्ग से ले जावें। हे अग्नि, हमारे संरक्षण के लिए ऊंचे स्थान पर उत्तम रीति से स्थित हो। सूर्य देव के समान उन्नत होकर अन्न को देने वाले हो, जिस कारण स्तोत्रों से स्तुति करते हुए हम तुझे बुलाते हैं। हे सबको बसाने वाले अग्निदेव, जो मनुष्य धन प्राप्त के लिए तेरी उपासना करता है, जो तुझे हवि देता है, वह स्तुति करने वाला हजारों मनुष्यों का पोषण करने वाले वीर पुत्र को अपने सामर्थ्य से उत्पन्न करता है। जिस अग्नि को दूसरे पुरुष उत्तमता से प्रज्वलित करते हैं, उस देवत्व को प्राप्त करने वाली नागरिक प्रजाओं की महान भक्ति का सूक्तों के वाक्यों से हम वर्णन करते हैं। यह अग्नि उत्तम पराक्रम का और उत्तम भाग्य का स्वामी है। वह धन का स्वामी है। वह अपने पुत्र पौत्र और गायों का स्वामी है। घेरने वाले शत्रु को मारने वालों का भी वह स्वामी है। हे अग्नि, तू घरों का स्वामी है। हमारे हिंसा रहित यज्ञ में तू होता है। हे सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्नि, तू पवित्रता करने वाला है। तू उत्तम ज्ञानी है। तू स्वीकार करने योग्य धनों को देता है और वह धन प्राप्त भी करता है। हे अग्नि, हम सभी समान विचार वाले मनुष्य अपने संरक्षण के लिए उत्तम ऐश्वर्य वाले, उत्तम कर्म करने वाले, पापों का नाश करने वाले, पाप रहित पानी को न गिराने वाले, तुझ देव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यह छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे मनुष्यों, हवि द्रव्यों से हवन करो, सर्वत्र शुद्धता करो। हवन करने वाले घर के स्वामी अग्नि को स्थापित करो। पृथ्वी के यज्ञ स्थान में प्रारंभ होते हुए यज्ञ में हवनीय पदार्थों को देने के साथ साथ नमस्कार पूर्वक अग्नि का सत्कार करो। इस तरुण बालक अग्नि का जीवन बड़ा ही विचित्र है, जो दूध पीने के लिए दोनों ही माताओं के पास नहीं जाता। स्तन रहित माताओं से यदि उत्पन्न हुआ है तो ठीक है। उत्तम होने के बाद यह अग्नि बड़े बड़े दूत के काम को करते हुए देवों को हवि पहुंचाता है। दो अरणियों के संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होने के बाद यह माता के पास दूध पीने नहीं जाती, क्योंकि उसकी माता के स्तन ही नहीं होते। पर यह उत्पन्न होते ही देवों को हवि पहुंचाने रूप दूत के काम करने लगती है। यह आश्चर्य है। तेरा यह एक अग्नि रूप शरीर है, तेरा दूसरा वायु रूप शरीर है, तीसरे सूर्य रूप तेज से तू मिल जा। शरीर के इस प्रकार संयुक्त हो जाने पर तू सुंदर होकर बढ़,
परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान में तू देवों को प्रिय होकर रह, मरने के बाद मृतक की क्या अवस्था होती है वहाँ यह बताया गया है। इसका एक स्थूल शरीर अग्नि से मिल जाता है, दूसरा शरीर वायु से मिल जाता है। यहाँ से सूर्य में पहुंचकर यह कल्याणमय स्थिति में रहता है। इस श्रेष्ठ स्थान में यह देवों का प्रिय होकर रहता है, यह आनंद की स्थिति होती है। पूज्य जात वेद अग्नि के लिए इस स्तोत्र रूपी यज्ञ को रथ के समान बुद्धिपूर्वक उत्तम प्रकार तैयार करते हैं। इस अग्नि के यज्ञ स्थान में हमारी कल्याणमय बुद्धि कार्य करती है। हम तेरी मित्रता में कभी कष्ट न हो। द्विलोक के शिर स्थानीय पृथ्वी के स्वामी, यज्ञ में उत्पन्न हुए सब विश्व के नेता, ज्ञानी और प्रकाशमान, मनुष्यों में अतिथि के समान पूज्य, मुख के समान मुख्य योग्य अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया है। हे अग्नि, पर्वत की पीठ से जैसे जल प्रवाह बहते हैं, उसी प्रकार यज्ञकर्ता विद्वान स्तोत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से तुझे उत्पन्न करते हैं। हे वाणी से स्तुति से जानने योग्य अग्नि, घोड़े जैसे संग्राम में जाते हैं और विजय मिलती है, उसी प्रकार उच्च स्तुति से युक्त हमारी वाणी उस तुझे बलवान बनाती है। हिंसा रहित यज्ञ के राजा घोषणा करते हुए द्यावा पृथ्वी में सत्य रूप से यज्ञ करने वाले होता सुवर्ण रूप अग्नि को स्वाभाविक रूप से विद्युत से पहले अपने संरक्षण के लिए उत्पन्न किया। पहले विद्युत अग्नि से इस अग्नि को उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ राजा अग्नि अन्नों से प्रज्वलित किया जाता है, जिसका रूप घृत के हवन से बढ़ाया जाता है। सब मनुष्य मिलकर हवनों से इसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार यह अग्नि उषा काल से पहले ही प्रज्वलित हुई है। अग्नि महान प्रकाश के साथ प्रकट होता है। द्यावा पृथ्वी में यह बलवान अग्नि गर्जन करता है। अंतरिक्ष लोक के एक पास के भाग से वह प्रथम प्रकट हुआ और जलों के बीच में, मेघों के बीच में वह सामर्थ्यशाली अग्नि बढ़ने लगा। यज्ञ करने वाले नेता मनुष्यों ने अपनी अंगुलियों से दो अरणियों के बीच में हाथों के बल से उत्पन्न हुए प्रशंसित तथा दूर से ही दिखने वाले घर के स्वामी गतिशील अग्नि को उत्पन्न किया। एक अरणी में दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती हैं। इस घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और इस प्रकार यह यज्ञ गृह का स्वामी प्रशंसित होता है। यहाँ सातवां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। यह अग्नि यज्ञकर्ता मनुष्यों की संविधाओं से प्रज्वलित हुआ है। अग्निहोत्र के लिए पाली हुई गाय जिस प्रकार प्रातःकाल जागती है, उसी प्रकार आने वाली उषा में उठकर इस अग्नि को प्रज्वलित करो। उस अग्नि की ज्वालाएं डालियों को फैलाने वाले महान वृक्ष के समान उत्तम रीति से आकाश में फैलती हैं। शाखाओं को फैलाने वाले महान वृक्ष के समान अग्नि की किरणें अंतरिक्ष में फैलती हैं। अग्नि यज्ञ करने वालों की संविधाओं से प्रज्वलित हुआ है। गाय के पास जैसे मनुष्य सवेरे जाता है, उसी प्रकार आने वाली उषा में मनुष्य अग्नि के पास जाकर उसे जलाते हैं। हे मनुष्य, असुरों को जीतने वाले, महान बुद्धिमानों को धारण करने वाले, मूर्खों की नगरियों का नाश करने वाले, ज्ञानी अग्नि की स्तुति करने के लिए समर्थ हो। स्तुतियों से धन की तरफ ले जाने वाले, कवच के समान रहने वाले, सुनहरे रंग की ज्वालाओं से युक्त, जिसके लिए स्तोत्र किए जाते हैं, ऐसी अग्नि की स्तुति कर। हे पूषा देव, तेरा तेजस्वी वर्ण वाला दिन पृथक है, उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्ण की रात्रि पृथक है। इस प्रकार आपस में एक दूसरे से भिन्न दिवस के ये दो भाग तेरी महिमा से होते हैं। तू द्युलोक के समान प्रकाशित होता है। हे अन्नवान देवता, तू सब प्रजाओं का संरक्षण करता है। तेरे कल्याण करने वाले दान यहाँ हमें प्राप्त हों। सूर्य दिवस से संबंधित कृष्णवर्ण अन्न अपनी धारणा शक्ति, कुशलता से काम करने वाली प्रजा कपट का प्रयोग। हे अग्नि, बहुत कार्यों में उपयोगी गायों को देने वाली वाणी निरंतर हवन करने वाले यजमानों के लिए दे। हमारे पुत्र और पौत्र होवें, ऐसी जो तेरी उत्तम बुद्धि है वह हमारे लिए सफल हो। जो मनुष्यों के घरों में रहने वाला अग्नि पानी से भरे हुए अंतरिक्ष में विद्युत रूप में रहता है, वह इस समय यज्ञ करने वाला हो गया है। वह महान तथा अंतरिक्ष को जानने वाला अग्नि वेद में
दलित हो गया है, वह हवियों को धारण करने वाला, वेदों में उत्तम रीति से रहने वाला है। हे स्तुति करने वाले उपासक, वह अग्नि उपासना करने वाले तेरे लिए अन्न और धनों को देने वाला और शरीरों का संरक्षण करने वाला होवे। बलवान वीर के और मनुष्यों द्वारा स्तुति के योग्य बल में इंद्र के समान उस अग्नि के प्रशंसनीय उत्तम तेज की स्तुति करो। स्तुति और वंदन आदि कर्मों से उसकी उपासना करो। सब ज्ञान से युक्त यह अग्नि गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों द्वारा उत्तम रीति से धारण किए हुए गर्भ के समान अरणियों में रहता है। वह अग्नि हवि तैयार करके हमेशा जागृत रहने वाले मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति के योग्य है। हे अग्नि, तू हमेशा कष्ट और पीड़ा देने वाले शत्रुओं को मारता है, तुझे संग्राम में राक्षस जीत नहीं सकते। इस प्रकार तू समूल मांस भक्षक राक्षसों को जला डाल। तेरे दिव्य हथियारों से कोई भी शत्रु न छूटे। यहाँ आठवां खंड समाप्त हुआ। नौमह खंडह। हे अग्ने, बलवर्धक धन हमें भरपूर दे। हे बिना रोक टोक गति वाले अग्ने, प्रशंसनीय धन के मिलने के मार्ग को हमें दिखा। उसी प्रकार अन्न मिलने और बल बढ़ाने के मार्ग दिखा। यदि वीर पुत्र उत्पन्न हो तो वह मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित करे और बाद में हवनीय पदार्थों का सदा हवन करे और दिव्य सुख प्राप्त करे। प्रज्वलित होने के बाद तेरा साथ धुआं अंतरिक्ष में फैलता है और वह दिखने लगता है। हे पवित्रता करने वाले अग्ने, सूर्य के समान स्तुति के प्रकाश से तू प्रकाशित होता है। हे अग्ने, निश्चय से तू सुखी समिधा रूप अन्न सूर्य के समान प्राप्त करता है। हे सर्वदृष्टा, सबको बसाने वाले अग्ने, तू अन्न को और पुष्टि को बढ़ाता है। अनेकों को प्रिय लगने वाले मनुष्यों के घर में अतिथियों के समान जाने आने वाले अग्नि की प्रातःकाल स्तुति की जाती है, जिस अमर अग्नि में सब मनुष्य हवनीय पदार्थों का हवन करते हैं। अति शीघ्र पहुँचाने वाले जो स्तोत्र हैं वह अग्नि के लिए किया जाता है। हे तेजस्वी अग्ने, बहुत सा धन और अन्न हमें दे। तुझसे बहुत धन और तुझसे ही अन्न मिलता है। हे मनुष्यों, तुम अन्न और बल की इच्छा करते हुए सब प्रजाओं के अत्यंत प्रिय इस पूज्य अग्नि की स्तुति करो। मैं तुम्हारे लिए घर में रहने वाले अग्नि की सुख देने वाले स्तोत्रों से और अपनी वाणी से स्तुति करता हूँ। तेजस्वी अग्नि के लिए बहुत सा हवि अन्न दिया जाता है, क्योंकि तुम प्रकाश युक्त अग्नि की ही पूजा करते हो। मनुष्य जिस अग्नि को मित्र के समान उत्तम स्तुति करने के लिए आगे स्थापित करते हैं। वृत्र को मारने वाले, ज्येष्ठ मनुष्यों के हित करने वाले अग्नि को हम प्राप्त करते हैं। जो अग्नि ऋक्षपुत्र श्रुतर्वा के लिए मोटी मोटी ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित किया जाता है। हे अग्ने, जो यज्ञ ऋतियों के साथ उत्पन्न होता है उस उत्तम धर्म के साथ तू उत्पन्न हुआ है, जिस अग्नि का कश्यप पिता, श्रद्धा माता और मनु कवि है। यहाँ नवम खंड समाप्त हुआ। दशमह खंडह। हम सोम राजा को तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, ब्रह्मणस्पति, विष्णु और बृहस्पति को बार बार याद करते हुए बुलाते हैं। ये यज्ञ करने वाले आंगिरस जैसे द्युलोक को पहुँचे, उत्तम मार्ग से यहाँ से वहाँ चले गए और द्युलोक की पीठ पर जाकर चढ़ गए। हे अग्ने, तुझे अधिक धन देने के लिए हम प्रदीप्त करते हैं। हे बलवान अग्ने, महान अग्नि के होत्र के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक की स्तुति कर। अथवा इस अग्नि को लक्ष्य करके अध्वर्यु आदि लोग स्तोत्र करते हैं, उन सबको वह जानता है। यह अग्नि सब काव्यों को, सब कर्मों को, नाभि चक्र को जैसे धारण करती है उसी प्रकार धारण करता है। हे अग्ने, अपने तेज से यातना कष्ट देने वाले राक्षसों के सुख का हरण करने वाला तू उनके बल को सब प्रकार से चारों तरफ से नष्ट कर। राक्षसों के पराक्रम को नष्ट कर। हे अग्ने, तू यहाँ वसु, रुद्र और आदित्य इन देवों के लिए यज्ञ कर। उसी प्रकार मनु से उत्पन्न हुए घृत का सिंचन करने वाले, उत्तम यज्ञ करने वाले मनुष्य का सत्कार कर। यहाँ दशम खंड समाप्त हुआ। एकादशः खंडः।
हे अग्ने, तुझे बहुत सी हवि देता हुआ मैं कहता हूँ कि बड़े धनवान की शरण में आए हुए सेवक के समान मैं तेरा ही सेवक हूँ। ज्ञानियों के तेजों को धारण करने वाले, विधाता और देवों को बुलाने वाले के समान अग्नि के लिए महान और प्राचीन स्तोत्रों को कहो। हे बल से उत्पन्न हुए अग्ने, गायों से उत्पन्न होने वाले अन्न का तू स्वामी है। इस कारण हे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अग्ने, हमें बहुत सा धन दे। हे अग्ने, तू ही यज्ञ में पूजा के योग्य है। यज्ञकर्ता के लिए देवों के लिए यज्ञ कर। तू देवों को बुलाकर लाने वाला अग्नि शत्रुओं को पराजित करके शोभित होता है। सात माताओं, नदियों की सहायता से उत्पन्न होने वाला, यज्ञ करने वाले सोमों की शोभा के लिए प्रयत्न करने वाला, यह स्थिर अग्नि धनों को उत्तम रीति से जानता है और वह बुद्ध न खंडित होने की स्थिति में संरक्षण की शक्ति के साथ आज के दिन हमें प्राप्त होवे। वह शांति और सुख को हमारे लिए प्रदान करे और शत्रुओं को दूर करे। शत्रु को पराजित करने वाले अग्नि की स्तुति कर, जिसके प्रकाश को कोई भी नहीं रोक सकता, जिसका धुआं चारों दिशाओं में फैलता है, ऐसे सबको जानने वाले अग्नि की पूजा कर। जो हवनीय पदार्थों को देने वाले अग्नि के लिए हवि देता है, उसके ऊपर कोई भी शत्रु कपट से भी शासन नहीं कर सकता। हे अग्ने, उस कपटी शत्रु और कठिनता से वश में आने योग्य चोर को दूर कर। हे सत्य के पालक अग्ने, हमारे लिए मार्ग को आसानी से जाने योग्य बना। हे वीर, हे प्रजापालक अग्ने, इस मेरे नए स्तोत्र को सुनकर छली कपटी राक्षसों को अपने तेज से जला दे। यहाँ 11वां खंड समाप्त हुआ। द्वादशः खंडः। हे स्तुति करने वाले उपासकों, तुम महान सत्य के पालक, यज्ञ के पालक, महान स्वच्छ प्रकाश से युक्त अग्नि के लिए स्तोत्रों का गान करो। हे अग्ने, तू जिसका मित्र हो जाता है, वह तेरे उत्तम वीरों से युक्त अन्न देने वाले और पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाले संरक्षण के साधनों से दुखों से पार हो जाता है। हे उपासक, स्वर्ग को हवि पहुंचाने वाले अग्नि की स्तुति कर। ऋत्विक गण जिस देव की स्वामी मानकर उपासना करते हैं, उस अग्नि की सहायता से देवों को हवनीय द्रव्य तू पहुंचाता है। जिसमें हवन किया गया है, ऐसा यह अग्नि हमारा कल्याण करने वाला होवे। हे उत्तम ऐश्वर्य वाले, हमें कल्याणकारी धन प्राप्त होवे। हमारा यज्ञ कल्याण करने वाला होवे और स्तुतियां हमारा कल्याण करने वाली होवे। हे अग्ने, यज्ञ करने वाले देवों में प्रमुख देव अमर होता, इस यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले तुम्हारा हम सत्कार करते हैं। हे अग्ने, उस तेजस्वी यश को हमें दे, जो यज्ञ स्थान अथवा घर में किसी भी अत्यधिक खाने वाले शत्रु को दबा सके। उसी प्रकार दुष्ट बुद्धि और लोगों के क्रोध को दूर कर। जब यजमानों का पालन करने वाला अग्नि हवि से प्रज्वलित होता है, तब वह अग्नि अच्छी तरह प्रसन्न होकर मनुष्य के घर जाता है। तब वह अग्नि सब राक्षसों को नष्ट करता है। यह 12वां खंड समाप्त हुआ। इति आग्नेयम् कांडम समाप्तम्। अग्नि का स्वरूप। साम वेद के प्रथम कांड आग्नेय कांड में 114 मंत्र हैं। यद्यपि इनमें कहीं कहीं दूसरे देवताओं के भी मंत्र हैं, पर इस कांड का मुख्य देवता अग्नि है। लोग देवताओं का वर्णन पढ़ें, पढ़कर उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें, धारण करके उन्हें बढ़ावें और मनुष्य से देव बनें। इसके लिए वैदिक उपासना और स्तुति है। देव बनने की इच्छा प्रत्येक स्तुति करने वाले के मन में होनी चाहिए। मैं देवता की स्तुति करता हूँ, मैं इस देवता के गुण का वर्णन करता हूँ। इसका उद्देश्य है कि इस देवता के गुण मेरे अंदर आवें और इन शुभ गुण से मैं युक्त हूँ। यत देवाह अकुर्वन तत् करवाणि, शतपथ ब्राह्मण जो देवों ने किया वह मैं करूँ। इस प्रकार करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त करें और देव बनकर समाज में शोभित हों, इसी को आग्नेय कांड में इस प्रकार कहा है। देवयुम जनम आ अयह। हे अग्ने, देवत्व प्राप्त करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को तू प्राप्त हो। तुझे प्राप्त करने का अर्थ है उपासक को देवत्व की प्राप्त।
प्राप्ति अर्थात उसका उद्धार यह देवत्व प्राप्त करना है। इसी को मुख्य रूप से करने के लिए वेद ने कहा है, उसे वैदिक धर्मियों को करना चाहिए। आज हम साम वेद के आग्नेय कांड का विवेचन करते हैं। इस कांड का मुख्य प्रतिपाद्य देवता अग्नि है, इस कारण सर्वप्रथम अग्नि के स्वरूप पर विचार करते हैं। अग्नि के गुण, इस आग्नेय कांड में निम्न गुणों का वर्णन है। विश्व वेदाह, सबको जानने वाला, सर्वज्ञानी, विशेष ज्ञान युक्त, सब धन युक्त, यह भी इस शब्द का अर्थ है, क्योंकि वेद धन को भी कहते हैं। वेदस इति धन नाम। जात वेदाह, सब उत्पन्न हुओं का जानने वाला, कवि, ज्ञानी, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी, पुरोहित, आगे रहने वाला, पुरोहित, मनुष्य का सबसे पहले हित करने वाला, प्रचेताह, विशेष बुद्धिमान, विशेष ज्ञानी, अतिथि, अतिथि के समान पूज्य सत्कार के योग्य, जरा बोधः, स्तुति से ज्ञात होने वाला, जिसकी स्तुति होती है, रुद्रः, बोलने वाला, वक्ता, शत्रु को रुलाने वाला, पावकः, पवित्रता करने वाला, शुद्ध करने वाला, चेतिष्ठः, चेतना देने वाला, प्रेरणा देने वाला, ज्ञानी, गतवित तमः, मार्ग जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम मार्ग को जानने वाला, आर्यस्य वर्धनः, आर्यों को, श्रेष्ठ पुरुषों को बढ़ाने वाला, श्रुतकर्णः, भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी कामना की पूर्ति करने वाला, पोता, स्वच्छता करने वाला, एक अध्वर्य, विपोधाह, विशेष ज्ञानी लोगों को सहारा देने वाला, ज्ञानियों का आश्रय दाता, अमूरह, जो मूर्ख नहीं अर्थात ज्ञानी, सुभगः, उत्तम ऐश्वर्य वाला, यज्ञस्य सुक्रतुः, यज्ञ का कार्य उत्तम रीति से करने वाला, सत्य धर्मा, सत्य का पालन करने वाला, यज्ञ का पालन करने वाला, सत्पति ही, सज्जनों का पालन करने वाला, विश्वपति ही, प्रजाओं का उत्तम रीति से पालन करने वाला, प्राता, संरक्षण करने वाला, उत्तम संरक्षः, रितः, सत्य योग्य यज्ञ पूज्य, वैश्वानरः, सब मनुष्यों का हित करने वाला, सार्वजनिक हितकारी, अतंद्रः, आलस्य रहित, सुस्ती रहित, सदा उत्साह युक्त, दक्षाः, चतुर, कर्मों में सदा निपुण, होता, देवों को बुलाकर लाने वाला, सत्पुरुषों को अपने साथ लाने वाला, हवन करने वाला, प्रेष्ठः, सबका प्रिय, सबको चाहने वाला, प्रियः, सबका प्रिय, सबके द्वारा चाहने योग्य, वाजपति ही, अन्न और बल का अधिपति, विवस्वत, ज्ञान से युक्त, ज्ञानी, सबको बसाने वाला, बुधन, बढ़ाने वाला, संवर्धन करने वाला, सुवीरः, उत्तम वीर, महाशूर, वित्राणि जंघनत, घेरने वाले शत्रु को मारने वाला, सुवीर्यस्य ईशे, उत्तम शौर्य का स्वामी, पुराम दर्माणम, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला, वृत्तन हंतमः, वृत्तों को मारने वाला, ऊर्जो नपातः, बलों को कम न करने वाला, बल बढ़ाने वाला, ऊर्जोपति, बल और अन्न का पालक, जयन, विजयी, प्रत्नः, प्राचीन अनादि, अमृतः, अमर, वृषभः, बलवान, सामर्थ्यशाली, वृष्टि करने वाला, पुरु प्रियः, बहुतों को प्रिय, प्रिय, स्वधरः, हिंसा रहित यज्ञ करने वाला, पुरु प्रशस्तम, बहुतों द्वारा प्रशंसित, द्रविड़स्युः, धनवान, बलवान, सौभगस्य ईशे रायः ईशे, सौभाग्य और धन का स्वामी, दासुषे रत्नानि दघत, दान देने वाले मनुष्यों को रत्न देने वाला, द्रविणोदाह, धन देने वाला, देवानाम प्रियः, देवों को प्रिय, विद्वानों का चाहने वाला, देवेषु राजति, देवों में प्रकाशित होने वाला, विद्वानों में तेजस्वी, गृहपति ही, गृहस्थ, घरों का स्वामी, अनेहस, पाप रहित, शुक्र शोचि ही, तेजस्वी, प्रकाशित होने वाला, सहस्वान, बलवान, शत्रु को पराजित करने वाला, अरति ही, प्रगतिशील, रिते जातः, सत्य के लिए प्रयत्न करने वाला, यज्ञ के लिए उत्पन्न हुआ, आर्यः राजा, श्रेष्ठ राजा, परिण धर्मणा जातः, श्रेष्ठ धर्मों के साथ उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ धर्मों का पालन करने वाला, सत्पते सुगम कृधि, हे सज्जनों के पालन करने वाले, हमारे मार्ग सरलता से जाने योग्य बना, अग्नि मार्ग को सरलता से जाने योग्य बनाता है, अध्वाराणम सम्राट, हिंसा रहित कर्मों का सम्राट, सत्य यजह, सत्य यज्ञ करने वाला, उत्तम यज्ञ करने वाला,
अग्रभीत शोची ही, जिसका तेज कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दबाया नहीं जा सकता। रिपुह न ईशत, जिस पर शत्रु शासन नहीं कर सकता, शत्रु को हराने वाला। तनु पाह, शरीर का संरक्षण करने वाला। नृशब्द्या, मानवीय घरों और शरीरों में रहने वाला। मानुषे जने देवे भी हितः, मनुष्यों के शरीर में देवों द्वारा स्थापित किया हुआ। वसुः, सबको बसाने वाला, निवास करने वाला। अवीम चातनः, रोगों को दूर करने वाला। सहस्त्र पोषिणम वीरम तुमना धते, हजारों मनुष्यों का पोषण करने वाले वीर को, वीर पुत्र को स्वयं धारण करता है। जनानाम सम्राट, लोगों का सम्राट। हिरण्य रूपः, सोने के समान तेजस्वी चमकने वाला। अग्नि के इन गुणों का वर्णन इस आग्नेय कांड में है। इनमें कहीं अग्नि के ज्ञान का वर्णन है, कहीं उनके बल और शूर वीरता का वर्णन है। ये गुण यदि मनुष्य अपने अंदर ढाल लें तो उनकी योग्यता निःसंदेह बढ़ेगी। पाठक इस दृष्टि से इन गुणों का विचार करें और जो गुण अपने अंदर ला सकते हैं उनको लाएं और उन्हें बढ़ावें। मनुष्य इन गुणों से युक्त हों इसलिए वेद के ये मंत्र हैं। अग्नि का सामर्थ्य, अग्नि का सामर्थ्य बहुत महान है, इसलिए इसको पुरुतमः, सबसे श्रेष्ठ कहा है। शक्ति में यह सबसे महान है, इसलिए कहा है कि महान असि, तू बहुत बड़ा है, तेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तू जैसा महान कोई नहीं है। कृष्टयः, ओजसे ते नमः गृणन्ति, सब मनुष्य शक्ति के लिए तुझे नमन करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। इस प्रकार अग्नि की शक्ति है। आर्यों का संवर्धन, सुजातम आर्यस्य वर्धनम नह गिरह नक्षन्तु, उत्तम रीति से उत्पन्न हुए और श्रेष्ठ पुरुषों को बढ़ाने वाले अग्नि का वर्णन हमारी वाणी करती है। यज्ञ के तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इनसे मनुष्यों की शक्ति बढ़ती है। कैसे? इस प्रकार की समाज में रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार होने से श्रेष्ठ पुरुषों की संख्या बढ़ती है, उससे समाज श्रेष्ठ होता है। उसके बाद संगतिकरण की आवश्यकता होती है। संगतिकरण का अर्थ है संगठन, समाज में संगठन होने का अर्थ है समाज की शक्ति का विस्तार। तीसरा पक्ष है दान, दान का अर्थ केवल धन देना ही नहीं है, अपितु जिसके पास जो चीज नहीं है वह चीज उसको देकर उसका उद्धार करना भी दान ही है। यह दान चार प्रकार का है, विद्यादान, बलदान, धनदान और कर्मदान। इन चार प्रकार के दानों से राष्ट्र की उन्नति होती है। अज्ञानियों को विद्या का दान करने से ज्ञानवान होकर उन्नत होते हैं। जो निर्बल हैं उनके बल को बढ़ाकर उन्हें बलवान बनाना यह दूसरा कार्य है। धन का दान देकर देश में धन उत्पन्न करने के साधनों को बढ़ाना यह राष्ट्र की उन्नति में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा काम है बेकारों को काम देकर उन्हें धन मिले ऐसा प्रबंध करना। इन चार प्रकार के दानों से देश की उन्नति हो सकती है। यज्ञ के तीनों पक्ष उत्तम रीति से राष्ट्र की उन्नति करने वाले हैं। इस कारण यज्ञ से राष्ट्र और समाज की उन्नति होती है। यह हमारा विचार बिल्कुल ठीक है। गृहपति, यद्यपि यह अग्नि घर के हवन कुंड में ही रहती है पर तो भी उसे वहाँ गृहपति, घर का मालिक कहा गया है। यज्ञ का अग्नि निश्चय से घर का स्वामी है। गृहपते, अप्रोषितवान महान असि, हे गृहस्वामी अग्ने, तू कहीं दूसरी जगह नहीं घूमता, तू निश्चय से महान है। तू बाहर इधर उधर बिना कारण नहीं घूमता, घर में ही रहते हुए तथा घर का हित करते हुए तू अपना समय बिताता है, इसलिए तू महान है। अपने घर का सब प्रकार से कल्याण करना गृहस्थी का मुख्य कर्तव्य है। सब गृहस्थी इससे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गौवों को पालना, गायों को पालना गृहस्थियों का एक मुख्य कर्तव्य है। घरों में गायें अत्यंत आवश्यक हैं। घरों में बच्चों को गाय का दूध, घी, मक्खन आदि प्राप्त होना उत्तम ऐश्वर्य का लक्षण है। इससे मनुष्य लंबी उम्र वाले होते हैं। मघवान जनानाम यंतारह गोनाम उर्ध्वदयतः, जो मनुष्य उत्तम प्रकार शासन करते हैं वे धनवान गौओं के झुंड का भी संरक्षण करते हैं। वे लोगों को गायें देते हैं और गायों से लोगों की सहायता करते हैं। स्तुति करने वाले को अनेक प्रकार से अन्न देने वाले, सब प्रकार के अन्न देने वाले, हे अग्ने, तू गाय का दान कर, गौओं का दान यज्ञ करने वालों को करें।
गाय भी यज्ञ का मुख्य साधन है। हवन गाय के दूध और घी से होता है। गाय के घी की अग्नि में आहुति देने से वह विष को नष्ट करके हवा शुद्ध करता है। ऋतुओं के संधि काल में अर्थात एक ऋतु के समाप्त होने पर जब दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है तब हवा के बदलने से रोग पैदा होते हैं। इसलिए ऋतुओं के संधि काल में यज्ञ किए जाते हैं। इन यज्ञों में गायों के घी और रोगों को शांत करने वाले अन्यान्य औषधियों का हवन किया जाता है। उससे रोग दूर होते हैं। मनुष्य का रोग इस प्रकार दूर हो सकता है कि मनुष्य जिस रोग से पीड़ित है उस रोग को शांत करने वाली औषधियों को कूटकर उसका तथा गाय के घी का हवन यदि उस रोगी के कमरे में किया जाए तो यज्ञ में डाली गई सामग्री अग्नि में जलकर सूक्ष्म हो जाती है और वह सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगी के अंदर जाकर रक्त में मिल जाता है और इस प्रकार वह रोगी के रोगों को दूर करता है। अग्नि को हव्यावह कहा है क्योंकि यह हवन में डाले गए पदार्थों को वहां पहुंचाना होता है। वहां पहुंचकर इच्छित कार्यों को सिद्ध करता है। किस ऋतु में किन औषधियों का हवन किया जाए यह शोधनीय विषय है। यदि इसका शोधन कर उसके अनुसार हवन किया जाए तो वैयक्तिक और सामुदायिक आरोग्य का लाभ होगा। इसमें कोई संशय नहीं। संशोधकों का कर्तव्य है कि इस महत्वपूर्ण विषय का संशोधन अवश्य करें। ज्ञानी अग्नि, अग्नि ज्ञानी है क्या पहले ही दिखलाया है। अंधेरे में यदि अग्नि को जलाया जाए तो वह उस स्थान का उत्तम ज्ञान करा देता है। कौन सा मार्ग है और वह मार्ग कहीं कांटों और पत्थरों से भरा हुआ तो नहीं है, कहीं मार्ग में गड्ढे तो नहीं हैं, इन सब का ज्ञान अग्नि करा देता है। मनुष्यों को इसका अनुभव कदम कदम पर मिलता है। इसलिए इसे विश्ववेदाह सबको जानने वाला कहा गया है। वाजपति कवि हव्यान परिअक्रमित, यह अन्न या बल का स्वामी और दूरदर्शी है और यह यज्ञ में डाले गए पदार्थों को चारों दिशाओं में फैलाता है। अग्नि में मिर्च डालने पर आसपास बैठे हुए मनुष्यों को छींकें आने लगती हैं। उसी प्रकार सुगंधित पदार्थों का हवन करने पर पास में बैठे हुए मनुष्यों को सुगंध आने लगती है। इस प्रकार यह अग्नि हवन में डाले गए पदार्थों को वह चारों दिशाओं में फैलाता है। इसलिए इसे यज्ञस्य सुकृतुः, यज्ञ को उत्तम रीति से संपन्न करने वाला बताया गया है। जिन यज्ञीस पदार्थों की हवन में आहुति दी जाती है उन पदार्थों को यह अग्नि चारों दिशाओं में फैलाकर उसके उत्तम परिणामों को सब हवनकर्ताओं को प्राप्त कराता है। यह उत्तम परिणाम मनुष्यों के अनुभव में आता है। इसलिए इन पदार्थों का हवन इस ऋतु में करना चाहिए और इस ऋतु में नहीं, इसका विचार पूर्वक संशोधन करना चाहिए। क्योंकि अयम अग्नि सुवीर्यस्य ईशे, यह अग्नि उत्तम बल का स्वामी है। इसलिए इसमें जिन पदार्थों का हवन किया जाए उन पर पहले विचार कर लेना चाहिए। ये उत्तम यज्ञ करने वाले आंगिरस ऋषि द्युलोक पर चढ़े, यहाँ से और उच्च स्थान पर पहुँचे, फिर द्युलोक की पीठ पर जाकर वहाँ वे विराजमान हुए। यह यज्ञ की शक्ति है। इसलिए यज्ञ सदा सांगोपांग होना चाहिए। अंगरस, अंगों में जो जीवन रस बहता है उसे अंगरस कहते हैं। यह रस सब अंगों में रहता है। वह रस कैसे तैयार होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे निर्दोष बनाया जा सकता है, इस विद्या को जो जानते हैं वे आंगिरस होते हैं। अंग के जीवन रस की विद्या जो ऋषि जानते हैं वे आंगिरस ऋषि कहते हैं। आंगिरसों ने इस विद्या का संशोधन करके उसे बढ़ाया और यज्ञस होने वाले परिणामों को लोगों के सामने सिद्ध करके दिखलाया। इस कारण ये आंगिरस ऋषि श्रेष्ठ बने। देवत्व प्राप्त करना, सभी यज्ञों का यदि कोई उद्देश्य है तो केवल देवत्व प्राप्त करना ही है। देवों के जो गुण मंत्रों में बताए हैं उन्हें अपने अंदर धारण करके उन्हें बढ़ाना यह साधन है, यह कर्तव्य कर्म है, यह मनुष्यों द्वारा करने योग्य है। देवयुम जनैः आयः, देवत्व प्राप्त करने की इच्छा वाले और उसके साधनों का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के पास अग्नि जाता है।
इस आग्नेय कांड में अग्नि के जो गुण बताए हैं वे गुण अपने अंदर बढ़ाने का जो प्रयत्न करते हैं और उनका वह अनुष्ठान जितना बढ़ता है उतना ही उनके अंदर अग्नि बढ़ती है और वे अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। उशर बुधह देवान आवह, उषा काल में जागने वाले देवों को इस यज्ञ में ले आ। उषह बुध, उषा काल में उठना, सोते न रहना, यह देवत्व का एक चिन्ह है। सवेरे 4:30 बजे उठना आसनी से हो सकता है। शौच, मुंह धोना, स्नान, संध्या उपासना करके 7 बजे जो अपने काम में लग जाता है उसको प्रातः काल उठने से कैसा उत्साह प्राप्त होता है यह अनुभव होगा। और इसके विपरीत 8-9 बजे तक बिस्तर में पड़ा रहने वाला कितना उत्साहहीन होता है यह बात समझने योग्य है। उषः बुधः, उषा काल में उठकर अपने कार्य में लग जाना यह देवत्व का एक लक्षण है। देवेशु राजस, वह देवों में तेजस्वी होता है। देवों के गुण अपने अंदर धारण करने से मनुष्य देवों में चमकने लगता है। देवों में केवल बसना ही नहीं अपितु देवों के बीच तेजस्वी होना ही विशेष महत्व की बात है। सभी देव तेजस्वी हैं, उनके बीच जो विशेष तेजस्वी होता है वही देवों में चमकता है। विशेष तेजस्विता प्राप्त करना ही इसका तात्पर्य है। साथ साथ चलने वाले, आगे ले जाने वाले तथा प्रातः काल उठकर काम में लगने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर बैठ सयाव भी ही समान रीति से प्रगति करने वाले, प्रातः याव भी ही प्रातः उठकर उन्नति कारक कामों में लगने वाले और बन्हे आगे ले जाने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर बैठने की योग्यता प्राप्त हो, इसलिए इस प्रकार के गुण अपने अंदर धारण करने चाहिए। मिल मिलाकर सामुदायिक प्रगति करना, प्रातः उठकर काम में लगना और उन्नतिशील मार्ग से जाना, ये 3 गुण अग्नि में हैं। यज्ञ की अग्नि प्रातः काल प्रज्वलित होती है, सब ऋतुज मिलकर उसकी उपासना करते हैं और सब उन्नति के मार्ग पर जाते हैं अर्थात निर्दोष यज्ञ करते हैं। इन गुणों को अपनाकर ही मनुष्यों की उन्नति हो सकती है। इस प्रकार यह अग्नि देव मार्ग को दिखाने वाला है, इसलिए कहा है नह दृशे देवह असि, हमको मार्ग दिखाने वाला तू है। अग्निदेव इस प्रकार लोगों को मार्ग दिखाने वाला है। अंधकार में अग्नि अपने प्रकाश से लोगों को मार्ग दिखाता है, यह सबके अनुभव में आने वाली बात है। अग्नि कस्मात् अग्रणी भवति, इसे अग्नि किस लिए कहते हैं, क्योंकि यह अग्रणी होती है अर्थात अग्रणी आगे के भाग में रहने वाला, आगे ले जाने वाला वह अग्निदेव है। वह सबको उन्नति के मार्ग से ले जाता है, इसलिए उसका पूरा नाम अग्रणी है जिसका संक्षिप्त रूप अग्नि हो गया है। अग्रणी अग्रणी अग्नि अग्नि, यह यज्ञान भी उसी प्रकार अग्रणी है क्योंकि वह अपने उपासकों को प्रगति के मार्ग से आगे ले जाता है। प्रियम मित्रम इव, प्रिय मित्र के समान सहारा देकर अपने भक्तों को आगे ले जाता है। ते मनः परमात् सघनस्थात् आयमत्, जो तेरे मन को ऊंचे स्थान से अपने पास बुला लेता है, तेरे मन को अपने अनुकूल बना लेता है, वह श्रेष्ठ बनता है। देवता के मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए देवता के गुणों को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है, नहीं तो यदि अपना आचरण देवता के गुण के विरुद्ध होगा तो निश्चय से देवता हम पर क्रोधित होंगे। इसलिए देवता के कौन कौन से गुण हैं इनको जानकर उन्हें अपने अंदर मनुष्य धारण करें और देवता के मन को अपने अनुकूल बनावें। शत्रुनाशक अग्नि, अग्नि के कुछ गुण पहले दिखाए, अब आग्नेय कांड में अग्नि की शुद्ध कुशलता का जो वर्णन है उस पर विचार करते हैं। अग्नि वृत्राण जंघनत, अग्नि वृत्रों को मारता है। वृत्र का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला शत्रु, वृत्र का अर्थ है मेघ, वृत्र का अर्थ है सब प्रकार के शत्रु, इन शत्रुओं को अग्नि नष्ट कर देता है। अयम अग्नि वृत्र हथानाम ईशे, यह अग्नि वृत्रों को मारने वाले शूरवीरों में प्रधान है।
वृत्तहंतम ज्येष्ठम आनवम अग्निम अगन्म, घेरने वाले शत्रुओं को नष्ट करने वालों में प्रमुख शूर वीरों में भी मुख्य उस अग्नि को मैं प्राप्त होता हूँ। उसकी मैं उपासना करता हूँ, उससे मैं मित्रता करता हूँ, उसके पास जाकर मैं रहता हूँ। सभी शत्रुओं से अपनी महती शक्ति द्वारा हमारा संरक्षण कर, द्वेष करने वाले मनुष्यों और शत्रुओं से हमारी रक्षा कर, अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दे। तू शत्रुओं को रुलाने वाला है। अग्नि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से सब अत्यधिक खाने वाले शत्रुओं को मारता है। अत्यधिक खाने वाला शत्रु हमारा पापी हिंसक शत्रुओं से संरक्षण कर, बुढ़ापे से रहित सदा तरुण रहने वाला तू अपने तेज से शत्रुओं को जला दे। अजाओं का पालन करने वाला अग्नि राक्षसों को तपाकर नष्ट करता है। हमेशा कष्ट पीड़ा देने वाले शत्रुओं को तू नष्ट करता है। तुझे युद्ध में राक्षस जीत नहीं सकते। मूर्खों के साथ रहने वाला और कच्चा मांस खाने वाले जो शत्रु हैं उन्हें जला दे। वे शत्रु तेरे दिव्य शस्त्रों से न छूटें। अपनी शक्ति से दुष्ट के सबके संहार करने वाले बल को एक तरह से नष्ट कर, राक्षसों का बल नष्ट कर, शत्रु को दूर कर। उसको मारने वाला शत्रु अपनी चतुरता से फिर शक्तिशाली न बने। उस पापी और कठिनता से वश में करने योग्य चोर शत्रु को दूर फेंक दे। कपटी राक्षसों को अपने तेज से जला दे। अपने घर में अथवा राष्ट्र में कोई खाऊ शत्रु आ जाए तो उसे हम पराजित करें। विश्वारक्षांसि प्रतिषेधति, सब राक्षसों को वह मारता है। इस प्रकार अपने सब शत्रुओं के वैयक्तिक और राष्ट्रीय शत्रुओं के नाश करने का विचार इस आग्नेय कांड में किया गया है। सब समय और सब स्थान में शत्रुओं के नाश के लिए इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है। मनुष्य इस प्रकार अपने शत्रुओं को दूर करने का प्रयत्न करें, अपनी शक्ति बढ़ावें, अपने संगठन का बल बढ़ावें, अपने शास्त्रास्त्रों को और सेनाओं का बल बढ़ावें और अपने बाहर और अंदर के सभी शत्रुओं को दूर करें। घोड़े, अग्नि अपने रथ में वेग से दौड़ने वाले घोड़े को जोतकर आता है। इस विषय में कहा है, जो तेरे उत्तम प्रकार से शिक्षित और वेग से जाने वाले घोड़े हैं, जो तुझे बहुत शीघ्र ढोकर ले जाते हैं, उन घोड़ों को तू अपने रथ में जोड़कर शीघ्र आ। यह घोड़े का वर्णन अलंकारिक है। यहाँ घोड़ों का तात्पर्य अग्नि की किरणों से है, क्योंकि यह अग्नि घोड़ों वाले रथ में बैठकर कहीं जाता नहीं। शरीर रूपी रथ में बैठकर आत्मा रूपी अग्नि इस पृथ्वी पर उतरती है और इस रथ में सब देव अंश रूप से आकर बैठते हैं। यह वर्णन बिल्कुल ठीक है। इसके संबंध में आगे विस्तार से कहेंगे। इस प्रकार अग्नि के रथ के घोड़े का वर्णन अलंकारिक है। संरक्षण, अग्नि अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए युद्ध करता है। यह स्पष्ट है। अपने भक्तों के शत्रुओं को दूर करने और उनको सुरक्षित रखने के अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। भक्तगण इसको अपनी दृष्टि में रखकर अपनी शक्ति बढ़ावें और निर्भय होकर रहें। पम त्राता सौ प्रथाह, हे अग्ने, तू हमारा संरक्षण करने वाला प्रसिद्ध है। ऋचा वरेण्यम अवहयाम, वेद मंत्रों की सहायता से मैं उत्तम संरक्षण प्राप्त करता हूँ। वेद मंत्रों में जैसे कहा है उसके अनुसार सभी अपना बल स्वयं बढ़ावें, सब अपना संरक्षण स्वयं करें। यही वरेण्यम अवह श्रेष्ठ संरक्षण है। विशेष तेजस्वी अग्नि की अपने संरक्षण के लिए वेद मंत्रों से स्तुति करो। इन वेद मंत्रों की स्तुति करते हुए अग्नि के गुण कौन से हैं यह देखें, उन्हें अपने अंदर धारण करें। इस प्रकार की उत्तम बुद्धि उपासक की हो, वह अपने संरक्षण के लिए प्रयत्न करे और श्रेष्ठ बने। हे अग्नि, हमारे संरक्षण के लिए खड़ा रह। अग्नि की ज्वालाएं हमेशा ऊपर ही जाती हैं, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, पर अग्नि कभी भी नीचे की ओर नहीं जलती। उसकी ज्वालाएं सर्वदा खड़ी रहती हैं। हमेशा स्थिर और खड़ा रहना वीरता का लक्षण है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, अपने शरीर गर्दन और सिरों को सीधा रखकर खड़े रहें, बैठें और चलें, यह वीरता का द्योतक है।
और यह दीर्घायु का कारण होता है। जो तुझसे मित्रता करता है वह तेरे उत्तम वीरता युक्त बल से युक्त संरक्षणों के कारण दुखों से पार हो जाता है। वयम तव सखे मारिशाम, हम तेरी मित्रता में नष्ट न हों। विश्वाह माया अवसी, शत्रुओं के सब कपट जालों को दूर करता हुआ तू हमारा संरक्षण करता है। दीनता से रहित होकर मनन शक्ति और संरक्षण शक्ति के साथ दिन आज हमारे पास आया है। उसने हमारे लिए सुख और शांति का निर्माण किया है, यह संरक्षण की शक्ति है। अदिति का अर्थ है अदीनता। अपनी बुद्धि कभी भी हीनता के भाव से युक्त नहीं करनी चाहिए, अपने में कभी हीनता की भावना नहीं आने देनी चाहिए। उस हीनता से रहित होकर मनुष्य सर्वदा उत्साह से युक्त रहे। संरक्षण शक्ति दीनता के साथ कभी नहीं रह सकती, अधीनता और संरक्षण शक्ति की जोड़ी रहती है। वह दीनता रहित संरक्षण का सामर्थ्य हमें आज प्राप्त हुआ है। दिन में हम उद्योग धंधों में संलग्न रहते हैं, उस समय उत्साह युक्त संरक्षण शक्ति हमारे पास जागृत रहती है। इस प्रकार की उत्साह युक्त संरक्षण की शक्ति हमारा संरक्षण करती है। बुद्धि, अधीनता और संरक्षण शक्ति ये तीनों ही मनुष्य की उन्नति करने वाले होते हैं। धन की प्राप्ति, मनुष्यों को धन की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक कार्य में धन की जरूरत होती है। अग्नि इस धन को देने वाला है, इसलिए उसे द्रविड़ स्युः कहा है। इससे उपासक धन मांगते हैं। हमारे महान संरक्षण के लिए हमें भरपूर धन दे। वह अग्नि हमें धन देता है। वह दानशील मनुष्य को रत्न देता है। उषः काल में तेजस्वी और अद्भुत धन दाता को दे। हे सबको बसाने वाले, तू विलक्षण सामर्थ्य वाला है। हमारे संरक्षण के साथ अनेक प्रकार के धनों को हमारे पास भेज। तू इस धन का रथी है, इस धन का लाने वाला है। हे पवित्रता करने वाले अग्निदेव, हमें प्रशंसनीय आयु बढ़ाने वाला तथा यश को बढ़ाने वाला धन दे। उत्तम मार्ग से उत्तम प्रशंसनीय तथा यश को बढ़ाने वाला धन हमें दो। विश्वावसु दीयते, वह सब तरह से धन देता है। इस सुप्रसिद्ध अग्नि से लोग प्रकाश युक्त घर मांगते हैं, जो मनुष्य धन के लिए तेरी उपासना करते हैं। यह अग्नि उत्तम ऐश्वर्य और धन का स्वामी है, उत्तम संतान और गौओं का स्वामी है। स्वीकार करने योग्य धन देते हो और स्वयं भी प्राप्त करते हो। तेरे कल्याण करने वाले धन हमें यहाँ मिलें। तू अपने उपासक को अन्न और धन देने वाला और उसके शरीर का अच्छी प्रकार संरक्षण करने वाला हो। बल बढ़ाने वाले तेजस्वी धन हमें भरपूर दे। तू बहुत सारा धन हमें दे। तुझसे बहुत सारा धन और अन्न हमें मिले। अधिक धन प्राप्त करने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हमें बहुत सा यशस्वी धन दे। तेरे धन कल्याण करने वाले हैं, उस तेजस्वी धन को हमें दे। यह अचल अग्नि धनों को जानता है, धन कैसे प्राप्त होता है यह जानता है। धन के लिए मनुष्य अग्नि की उपासना करते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के उत्तम मार्ग को वह जानता है। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि का वर्णन जो इस आग्नेय कांड में है वह इस प्रकार है। समुद्र के अंदर निवास करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र में बड़वाग्नि रहती है। सूर्य और अग्नि, सूर्य द्युलोक में रहता है, उसका आग्नेय रूप है। उसका वर्णन सामवेद के इस अग्निकांड में इस प्रकार है। द्युलोक में जो चमक है वह प्राचीन वीर्य का तेज प्रकाशित होता है, उसे मनुष्य देखते हैं। सूर्य के उदय होने पर जो सूर्य का तेज चमकता है वह महान तेज है, उसी को सब मनुष्य आकाश में देखते हैं। सभी को सूर्य का दर्शन हो, इसलिए प्रकाश के किरण ज्ञानी देव सूर्य रूपी अग्नि को आकाश में धारण करती है। यह आकाश में दिखने वाला सूर्य अग्नि का ही रूप है। अग्नि मंथन, यज्ञ में जिस अग्नि का प्रयोग होता है वह दो अरणियों के मंथन से उत्पन्न होती है और उसी का प्रयोग किया जाता है, नीचे की और ऊपर की। इस प्रकार दो अरणियां होती हैं, उन दोनों को मथ करके यह अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसका यज्ञ कुंड में स्थापन किया जाता है। फिर उसमें हवन के योग्य पदार्थ की आहुतियां दी जाती हैं।
इस क्रिया का वर्णन इस आग्नेय कांड में इस प्रकार है। अथर्वा ने तुझ अग्नि को स्तुति करने वाले सब ऋतुजों के समूह में सिरस्थानीय पुष्कर से मत करके उत्पन्न किया है। इस पुष्कर का अर्थ नीचे की अरणी है। मथने से वहां अग्नि उत्पन्न होती है। अथर्वा यज्ञ का ब्रह्मा होता है। उसके निरीक्षण में अग्निमंथन होता है। पुष्कर कमल तलवार की धार, बाण, हवा, अंतरिक्ष, पानी, युद्ध, हाथी की सूंड के आगे का हिस्सा, तालाब, सांप, सूर्य और मेघ, वाघतः यज्ञकर्ता गण, स्तुति करने वाले अग्नि को देवों ने पैदा किया। द्युलोक के ऊंचे स्थान और पृथ्वी के नीचे स्थान, इस प्रकार इन दोनों अरणियों से यज्ञ में वैश्वानर अग्नि उत्पन्न हुई। यज्ञ करने वाले ऋत्विज अरणियों को मथकर प्रशंसा के योग्य दूर से दिखने वाले गृहस्वामी रूप निरंतर प्रगति करने वाले ज्वालाओं से तेजस्वी दिखने वाले अग्नियों को उत्पन्न करते हैं। हाथों से अरणियों को मथकर अग्नि को ऋत्विज लोग यज्ञ के लिए उत्पन्न करते हैं। जात वेदा अग्नि अरणियों से उत्पन्न होने के बाद उसे यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उसमें हवन किया जाता है। अग्नि ऋत्विजों की समिधा से प्रज्वलित किया जाता है। यह अग्नि द्युलोक के उच्च भाग पर तथा पृथ्वी पर जगत के उच्च स्थान पर रहने वाला सभी का पालन करने वाला है और यह कर्मों के बल को प्राप्त करता है। इस प्रकार नीचे और ऊपर की अरणियां मथकर अग्नि उत्पन्न की जाती हैं। जिसको यह पहले मालूम होगा कि यज्ञ में अरणियों से अग्नि कैसे उत्पन्न की जाती है, उसकी समझ में यह सब आ जाएगा। अब यहाँ अरण के विषय में जिससे कुछ ज्ञान हो इसलिए संक्षेप में उस पर विचार करते हैं। अग्नि उत्पन्न करने वाली दो अरणियां होती हैं, एक नीचे होती है और दूसरी ऊपर होती है। दोनों को घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है। पृथ्वी यह नीचे की अरणी है और द्युलोक यह ऊपर की अरणी है। इन दोनों अरणियों के मथने से सूर्य रूपी अग्नि की उत्पत्ति होती है। इन दोनों ही अरणियों में गति है। जब बादल आपस में टकराते हैं तब उनसे बिजली रूपी अग्नि पैदा होती है, जिसे हम अपनी भाषा में बिजली चमकना कहते हैं। स्त्री और पुरुष ये दो अरणियां हैं। स्त्री नीचे की और पुरुष ऊपर की अरणी है। इन दोनों के संबंध से अग्नि रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। विद्या अधरारणी है और आचार्य उत्तरारणी है। इनके मंथन से ज्ञानी तरुण उत्पन्न होता है जो ज्ञानाग्नि में प्रकाशित होता है। इस प्रकार यह अग्नि उत्पन्न होती है। ये सभी वंदना के योग्य हैं। इनको सब लोग नमस्कार करते हैं। यज्ञाग्नि सबका प्रतीक है। इस यज्ञाग्नि के लिए सब नमन करते हैं। इस विषय में नीचे के मंत्र भाग देखने योग्य हैं। अग्नि को नमस्कार। प्रतिदिन और रात्र बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए हम तेरे पास आते हैं। यज्ञ के सम्राट अग्नि की हम नमस्कारों अथवा अन्न की आहुतियों से वंदना करते हैं। अन्न नमन, जिस अग्नि को मनुष्य नमस्कार करते हैं, इस प्रकार अग्नि को नमन किया जाता है और उसमें अन्न की आहुति दी जाती है। प्रकाश युक्त ज्वालाएं, अग्नि प्रकाश से युक्त ज्वालाओं वाला होता है। यज्ञकर्ता इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। कण्व के आश्रम में यह अग्नि प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता है। लोगों में यह निरंतर रहने वाली ज्योति प्रकाशित होती है। यज्ञ के लिए प्रथम अग्नि उत्पन्न की जाती है, फिर बाद में वह प्रकाशित होती है। मननशील मनुष्य तुझे हमेशा धारण करते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसे स्थान देकर उसका सत्कार किया जाता है, क्योंकि वह अतिथि होता है और अतिथि का सत्कार होना ही चाहिए। अतिथि का आसन, यज्ञ में आसन फैलाया हुआ है। आसन पर बैठने के लिए आ। यज्ञ में अग्नि के समान सब देवों के लिए इसी प्रकार आसन फैलाकर रख दिए जाते हैं और देवगण आकर उन पर बैठते हैं। वीर पुत्र, यदि वीर अर्थात पुत्र होता है तो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें हवन करते हैं। अग्नि की स्तुति, अरणियों से अग्नि उत्पन्न होती है। उसे यज्ञ कुंड में स्थापित करके उसमें समिधाएं डालकर प्रदीप्त करते हैं और ऋत्विक गण उसकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति को विपन्या कहते हैं।
इस स्तुति के विषय में अग्निकांड में इस प्रकार लिखा है, मैं इस अग्नि की स्तुति करता हूँ, मैं अधिक स्तुति करता हूँ, अपनी वाणी से तुझे प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। तू पूज्य अग्नि की अपनी वाणी से स्तुति करता है, प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए पूजनीय तथा शत्रुओं को रुलाने वाले अग्नि की स्तुति के ये सुंदर स्तोत्र हैं। ज्ञानी सत्य के पालन करने वाले और रोग को दूर करने वाले अग्निदेव की स्तुति कर, हम ज्ञानी अमर अग्नि की प्रिय मित्र के समान स्तुति करते हैं। नम्रता से बल को क्षीण न करने वाले, ज्ञान को देने वाले, प्रगतिशील उत्तम यज्ञ करने वाले विश्व के दूत अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। जिसे दूसरे ऋतुज प्रज्वलित करते हैं, उस सब देवत्व को प्राप्त करने वाले प्रजाओं के प्रिय अग्नि की हम सूक्तों से और भाषणों से स्तुति करते हैं। पूज्य अग्नि के लिए ये स्तोत्र रथ के समान अपनी बुद्धि से भक्तिपूर्वक करते हैं, उत्तम स्तुति के वचनों से तेरा वर्णन करते हैं। प्रशंसित सम्राट अग्नि की स्तुति करो, सबों के प्रिय और प्रजाओं के लिए अतिथि के समान पूज्य अग्नि की प्रातः काल स्तुति करनी चाहिए। अपने घर में रहने वाले अग्नि की उत्तम सुखकारक स्तोत्रों से और भाषणों से मैं स्तुति करता हूँ। ज्ञानियों की ज्योति को धारण करने वाले तथा यज्ञ करने वाले अग्नि के लिए महान और अद्भुत स्तोत्र कहो। शत्रु का प्रतिकार करने वाले अग्नि की स्तुति कर, महान यज्ञ करने वाले बड़े शुद्ध प्रकाश वाले अग्नि के लिए स्तोत्रों का गान कर। यज्ञ करने वाले देवों में रहने वाले अमर होता यज्ञ के कर्म उत्तम रीति से करने वाले तुझ अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार अग्नि की स्तुति का वर्णन करने वाले मंत्र इस अग्निकांड में हैं। व्यक्ति रूप से और सामूहिक रूप से इस प्रकार अग्नि की स्तुति की जाती है। अग्निदूत, इसमें जिसका भी हवन किया जाता है उसे ठीक स्थान पर पहुंचाने का काम अग्नि करता है। इस प्रकार यह अग्नि उत्तम दूत है। इस दूत का कार्य करने वाले अग्नि को हम स्वीकार करते हैं। यह अग्नि सबको जानने वाला और अमर दूत है। इसमें जो कुछ भी डाला जाता है उसे यह जहाँ पहुंचाना होता है पहुंचा देता है। इस कारण अग्नि में किया हुआ हवन अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ इस प्रकार हो सकता है। यज्ञ से यही लाभ होता है। यज्ञ यज्ञाग्नि में अनेक पदार्थों के हवन किए जाते हैं, यह सभी को मालूम है। ऋतुओं के संधिकाल में रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के नाश के लिए यज्ञ किया जाता है, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में कहा है। आरोग्य बढ़ाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। इस यज्ञ के विषय में इस कांड में इस प्रकार कहा है, अध्वराणाम नप्ता, अहिंसापूर्ण कर्मों को करने वाला, नप्ता न गिराने वाला, उन्नत करने वाला, हिंसा रहित कर्मों को उन्नत करने वाला। हमारे यज्ञ में सब देव मानवों का हित करने वाले, मनुष्यों का यश बढ़ाने वाले वीर अग्नि को यहाँ लावें। तू घर का स्वामी है, हमारे यज्ञ में तू देवों को बुलाकर लाने वाला, पवित्रता करने वाला और उत्तम प्रकार से चेतना देने वाला है। इस तरुण अग्नि रूप बालक का विचित्र जीवन क्रम है। यह अपने पोषण के लिए अपनी माता अरणी के पास जाता तक नहीं है, उत्पन्न होने के बाद ही महान दूत के काम को करते हुए हवि देवों को पहुंचाता है। इस प्रकार यह यज्ञ करने वाला है। इस अग्नि में हवन किया जाता है। उस विषयक मंत्र इस प्रकार है, हवन, यज्ञ में हवन मुख्य है। हवन करने से पहले अग्नि की स्तुति की जाती है। इन स्तुति मंत्रों के प्रारंभ होने पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर बाद में उसमें हवन किया जाता है। इसका वर्णन इस कांड में इस प्रकार है, वीतये हव्यदाते घृणानः आयाहि हवि भक्षण, तथा देवों को हवि पहुँचाने के लिए तुम अग्नि की स्तुति की जाती है। तू हमारे पास आ, विश्वेशा यज्ञानाम होता, सब यज्ञों में तू होता बनता है। देवे भी मानुषे जने हितः, देवों द्वारा मनुष्यों में यह अग्नि स्थापित की जाती है, प्रज्वलित करके शुद्ध अग्नि में आहुति दी जाती है। हवि जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँचाता है। मन लगाकर अग्नि को जलाने वाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढ़ाता है। उत्तम आहुति देने वाले ज्ञानी तुझे प्रिय होते हैं। हे प्रकाशमान अग्नि, तुझे प्रदीप्त करके ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं। यज्ञ कल्याण करने वाला है, मनुष्य तुझे उत्तम रीति से प्रदीप्त करते
कहते हैं, हे अग्ने, द्युलोक पर इस तेजस्वी शरीर को बढ़ा। हे उत्तम कर्म करने वाले अग्ने, अपनी वाणी से मेरे पुत्र पौत्रों का पोषण कर। पूर्ण भरे हुए सृचा के इस अर्पण को स्वीकार कर। भर करके आहुति दो, फिर भरकर आहुति दो। इस प्रकार करने से अग्निदेव तुम्हें उन्नत करेंगे। हवि द्रव्यों का हवन करो। पृथ्वी पर यज्ञ स्थान में यज्ञ में हवि देने वाले को नमस्कार करो। अमर अग्नि में सब यज्ञ करने वाले मनुष्य हवनीय पदार्थों का हवन करते हैं। तेजस्वी अग्नि में बहुत से अन्नों का हवन किया जाता है। हव्य पदार्थों का जिसमें हवन किया जाता है उस अग्नि को अर्पण करो। स्वर्ग को हवि पहुंचाने वाले अग्नि की स्तुति कर। तू देवों को हवि पहुंचाता है, जिसमें उत्तम हवन किया जाता है, जिसमें उत्तम यज्ञ होता है। ऐसा यह अग्नि बहुतों से प्रशंसित और सबको बसाने वाला है। जिसमें हवन होता है ऐसा वह अग्नि हमारा कल्याण करने वाला है। इन हवन मंत्रों का उत्तम रीति से विचार हो गया, अर्थात यज्ञ अथवा यज्ञाग्नि हमारा कल्याण करने वाली किस प्रकार है यह समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम अग्नि को अरणियों से घिसकर उत्पन्न किया जाता है। उसे कुंड में स्थापित कर उसमें समिधा और घी की आहुति देकर उसे जलाया जाता है। अग्नि जल करके आसपास की हवा को गर्म कर देती है। वह गर्म हवा ऊपर चली जाती है और वहाँ चारों ओर की हवा आ जाती है। यह क्रिया अग्नि के जलते रहने तक रहती है। यज्ञ जब तक चालू रहता है तब तक पास की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और दूसरी हवा उसका स्थान ले लेती है। हवा शुद्ध होने का यह एक लाभ यज्ञ से होता है। पहले हर घर में हवन होता था। समझो, यदि एक घंटा भर की घर की अग्नि जलती रही तो घर की हवाओं के ऊपर जाने और बाहर की हवा के अंदर आने से घर की हवा शुद्ध हो जाती थी। प्रत्येक घर में अग्नि जलाने से प्रत्येक घर की यह हवा पलटने की क्रिया समझ में आ जाएगी। पहले हर चौराहे अथवा शहर के मध्य में बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं होती थीं। उनमें बड़े बड़े यज्ञ होते थे। उससे वहाँ की बुरी हवा के ऊपर जाने और बाहर की शुद्ध हवा के वहाँ आने की क्रिया चलती रहती थी। इस प्रकार यज्ञाग्नि रहने से वायु परिवर्तन होता था और वह लाभदायक था। यज्ञ में केवल अग्नि ही नहीं जलाई जाती, अपितु उसमें गाय का घी आहुति के रूप में डाला जाता है। यह गाय का घी अग्नि में जलता है और उसकी सुगंध हवा में फैलती है और उससे हवा में रहने वाले रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के घी में हवा में रहने वाले रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने का उत्तम गुण है। यज्ञाग्नि इस प्रकार वायु को रोगाणुओं से रहित करने वाला है। इसके अलावा यज्ञ में ऋतुओं के अनुसार हवनीय द्रव्य भी डाले जाते हैं। जिस ऋतु में हवा के बदलने से जिन रोगों का होना संभव है उन रोगों को नष्ट करने वाली वनस्पतियों के अथवा उन वनस्पतियों के काढ़े से तैयार किए गए गाय के घी का हवन किया जाता है और इस प्रकार यज्ञाग्नि रोग दूर करने वाली और आरोग्य बढ़ाने वाली है। ऋतुओं के संधिकाल में रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यह गोपथ ब्राह्मण का यह कथन इस प्रसंग में देखने योग्य है। इस प्रकार यज्ञ शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्व का है। यह व्यक्ति और समाज का आरोग्य बढ़ाने वाला है। ऊपर यज्ञ विषयक और हवन विषयक मंत्रों में यह अग्नि हमारा सबसे उत्तम कल्याण करने वाला है। यह जो वर्णन है यह केवल स्तुति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि शास्त्रीय दृष्टि से भी सत्य है। यह बात पाठकों को ध्यान में रखनी चाहिए। इस दृष्टि से कौन से रोग में कौन सी वनस्पतियों का हवन लाभदायक होगा इसकी शास्त्रीय दृष्टि से खोज करके तथा अनुभव करके निश्चित करना चाहिए। अतः वैद्यों और संशोधकों को चाहिए कि वे इस दिशा में खोज करें। इसके अलावा यज्ञ करने वाले यजमानों की ऋतुजों की जो शुभेच्छा और सद्भावना इसके पीछे है तथा मंत्रोच्चारण से जो पवित्रता मिलती है वह अत्यधिक होती है। उसको किसी भी माप से मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार यज्ञ और उसके अंदर हवन करना कल्याणकारी है। इसलिए यज्ञ कर सकने वाले लोगों को इस तरफ ध्यान देना
चाहिए। उपमा, प्रिय मित्र के समान अतिथि अग्नि की स्तुति कर, जैसे धन देने वाले रथ की स्तुति की जाती है उसी प्रकार अग्नि की स्तुति की जाती है। उत्तम अयाल, गर्दन के बाल से युक्त घोड़े के समान जो ज्वालाओं से युक्त है उस अग्नि को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ घोड़े के अयाल और अग्नि की ज्वालाओं की समानता देखने योग्य है। जैसे मधु सोमरस के सबसे प्रथम दिए जाने वाले पात्र होते हैं उसी प्रकार अग्नि की सबसे पहले स्तुति की जाती है। सूर्य के समान ऊंचे स्थान पर रहकर अन्न का दान करने वाला यह अग्नि है। रथ के समान बुद्धिपूर्वक स्तोत्र कर, जिस प्रकार पर्वत से जल बहते हैं उसी प्रकार अग्नि के लिए स्तोत्र कहे जाते हैं। जिस प्रकार घोड़े जीतते हैं उसी प्रकार तेरी स्तुति तेरा वर्णन करके यशस्वी होती है। गाय के समान अग्नि सवेरे प्रज्वलित होती है। बड़ा वृक्ष जैसे अपनी शाखाओं को फैलाता है उस प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं को फैलाता है। द्युलोक के समान अग्नि प्रकाशित होता है। गर्भिणी स्त्रियां जिस प्रकार गर्भ धारण करती हैं उस प्रकार दो अरणियों के बीच में अग्नि रहती है। सूर्य के समान अपने तेज से अग्नि प्रकाशित होता है। सूर्य के समान अग्नि यश को प्राप्त करता है। मित्र के समान अग्नि को आगे स्थापित करते हैं। जैसे रथ की नाभि चक्र को धारण करती है उसी प्रकार सब स्रोत अग्नि के आश्रय से रहते हैं। बड़े धनवान के सेवक के समान मैं अग्नि का सेवक हूँ, ये उपमा में आग्नेय कांड में आई है। इनमें न यह शब्द उपमार्थक है न इव के समान उसका अर्थ होता है। आग्नेय कांड के सुभाषित प्रज्वलित हुआ अग्नि वृत्रों को मारता है। दोष रोगों को पैदा करने वाले कीटाणु हे अग्नि सब शत्रुओं और द्वेष करने वाले मनुष्यों से अपने महान सामर्थ्य से हमारा संरक्षण कर। अथर्वा ने तुझे मत करके उत्पन्न किया, हमारे उत्तम संरक्षण के लिए निवास करने योग्य घर दे। तू हमें मार्ग दिखाने वाला देव है, मनुष्य तेरे बल के लिए तुझे नमस्कार करते हैं। इसलिए तू शत्रु का नाश कर, सर्वज्ञ अथवा सब धनों के स्वामी अमर दूत अग्नि को अपने अनुकूल बनाता हूँ। प्रतिरात्रि और प्रतिदिन बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए हम तेरे पास आते हैं। हे स्तुति से ज्ञात होने वाले अग्नि, प्रत्येक प्रजाजन के हित के लिए पूज्य और शत्रु को रुलाने वाले अग्नि के लिए ये स्तोत्र पढ़े जाते हैं, उन्हें तू जान। अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से सब खाऊं शत्रुओं को नष्ट करता है। खाऊं रोगोत्पादक कीटाणु, अग्नि हमें धन देता है। हे अग्नि हमें सुखी कर, तू महान है। ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्य के पास उसकी सहायता के लिए जा। हे अग्नि हमारा पापी और हिंसक शत्रुओं से संरक्षण कर, बुढ़ापे से रहित तू अपनी ज्वालाओं से शत्रु को जला दे। तेरे शरण में जाने योग्य प्रजापालक अग्नि हम तेजस्वी तथा उत्तम वीर तेरा ध्यान करते हैं। अन्न का स्वामी और ज्ञानी यह अग्नि दानशील मनुष्यों को रत्न देता है। हिंसा रहित यज्ञ में सत्य धर्म का प्रचार करने वाले अग्नि की स्तुति करो। यह अग्निदेव रोग दूर करता है, पानी पीने के लिए कल्याणकारी हो। हे जलों हमें शांति और सुख दो, हम सर्वज्ञ और अमर अग्नि की प्रशंसा करते हैं। बड़ी ज्वालाओं और शुद्ध तेज से प्रकाशित हो, तू प्रजाओं का पालक और राक्षसों को संताप देने वाला है। हे ज्ञानी अग्नि तू आज सवेरे उठने वाले देवों को ले आ, तू विलक्षण शक्ति वाला है। संरक्षणों के साथ धनों को हमारे पास भेज, हमारे संतानों को यश दे। हे रक्षक अग्नि तू प्रसिद्ध सत्य और ज्ञानी है। हे पवित्र करने वाले अग्नि हमें प्रशंसित तथा आयु को बढ़ाने वाला धन दे। उत्तम नीति के मार्ग से मिलने वाले बहुतों द्वारा प्रशंसित उत्तम यश को बढ़ाने वाले धन को हमें दे, जो सब प्रकार के धन देता है। आर्यों का संवर्धन करने वाले अग्नि की स्तुति हमारी वाणी करती है। वेद मंत्रों से मैं श्रेष्ठ संरक्षण मांगता हूँ। इस प्रसिद्ध अग्नि से लोग उत्तम प्रकाश युक्त घर मांगते हैं। सब देव मानव जाति का हित करने वाले, समूह को यशस्वी बनाने वाले, वीर को सरल और उन्नति के मार्ग से ले जाते हैं। हे अग्नि तू ऊंचे स्थान पर रह, जो तुझे हवि देता है वह स्तोत्र करने वाले, हजारों का पोषण करने वाले वीर पुत्र को स्वयं धारण करता है।
जन्म देता है। वह अग्नि उत्तम पराक्रम और उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी है, उत्तम संतानों का स्वामी है। घेरने वाले शत्रुओं को मारने वालों में वह सबसे मुख्य वीर है। तू ज्ञानी उत्तम धन देने वाला है। अपने संरक्षण के लिए उत्तम भाग्यवान, उत्तम कर्म करने वाले, पापियों का नाश करने वाले, पाप रहित तुझ देव को हम प्राप्त करते हैं। हवनीय द्रव्यों से हवन करो, शुद्धता करो, हम तेरी मित्रता में नष्ट न होवें। पहले अपने संरक्षण के लिए अग्नि को बिजली से उत्पन्न किया। अग्नि उषा काल से भी पहले प्रज्वलित हुआ। मनुष्य अरण्यों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हाथों से मथकर घर के स्वामी अग्नि को उत्पन्न करते हैं। सब प्रजाओं की रक्षा करता है, तेरे दान कल्याण करने वाले हैं। हमारे पुत्र पौत्र हुएं, यह तुम्हारी इच्छा हमारे लिए सफल होवे। सदा तू पीड़ा देने वाले शत्रुओं का नाश करता है। तुझे युद्ध में राक्षस जीत नहीं सकते। मूल सहित कच्चे मांस को खाने वालों को जला डाल। तेरे दिव्य शस्त्रों से कोई न छूटे। बल बढ़ाने वाले तेजस्वी धन हमें भरपूर दे। प्रशंसित धन मिलने का मार्ग हमें बता, अन्न मिलने के मार्ग को दिखा। यदि पुत्र हो तो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित करे। इस अमर अग्नि में सब मनुष्य हवनीय पदार्थों का हवन करते हैं। वृत्र को मारने वाले, श्रेष्ठ मानवों का हित करने वाले अग्नि के पास हम जाते हैं। हे अग्नि, अपने तेज से तू पीड़ा कष्ट देने वाले राक्षसों के बल को सब ओर से नष्ट कर, राक्षसों की शक्ति नष्ट कर। आनंदित अग्नि शत्रुओं को हटाकर शोभित होता है। वह शांति और सुख देने वाला अग्नि हमें सुख देवे और शत्रुओं को दूर करे। शत्रु को पराजित करने वाले की स्तुति कर, जिसके प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता, ऐसे इस अग्नि में यज्ञ कर। उस पर कोई भी मनुष्य शत्रु कपट से भी शासन नहीं कर सकता। उस कपटी शत्रु और कठिनता से वश में आने वाले चोरों को दूर कर, हमारे मार्ग को सुगम कर। हे वीर, कपटी राक्षसों को अपनी ज्वाला से जला दे। हे अग्नि, तू जिसका मित्र होता है वह तेरे उत्तम वीरों से युक्त संरक्षणों से दुखों से पार हो जाता है। अग्नि हमारा कल्याण करने वाला हो, उस तेजस्वी धन को हमें भरपूर दे। हमारे घर में कोई भी शत्रु हो उसे दूर कर। बुरी बुद्धि वाले मनुष्यों का क्रोध भी दूर कर। संतुष्ट हुआ अग्नि मनुष्य के घर में सब राक्षसों को दूर करता है। अथ ऐन्द्रम कांडम अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमा खंडः। हे स्तुति करने वाले उपासकों, तुम्हारे सोम तैयार करने के बाद अनेकों जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे इस बलवान इंद्र के लिए उन स्तोत्रों को एक स्थान पर बैठ करके गाओ। जो स्तोत्र गाय को जैसे घास सुख देते हैं, उसी प्रकार शक्तिमान इंद्र को सुख देते हैं। अनेकों से प्रशंसित शक्तिशाली इंद्र के गुणों का गान करो। हे सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले इंद्र, जो तेजस्वी सोमरस निश्चित रूप से तेरे लिए तैयार किया गया था, उस रस से निश्चय से तू आनंदित हुआ। उस कारण हमें भी धनादि देकर तू आनंदित कर। हे गौवों, यज्ञ के स्थान को आओ। तुम यज्ञ के लिए बहुत सा दूध रूपी अन्न देने वाली हो। तुम्हारे दोनों ही कान सोने के आभूषणों से शोभित हैं। हे गायों, तुम यज्ञ में बहुत सा अन्न देती हो। हे श्रुतकक्ष ऋषे, घोड़ों के लिए, गाय के लिए, इंद्र के स्थान के लिए पर्याप्त मात्रा में स्तोत्रों का गान कर। उस महान वृत्र को मारने के लिए उस इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। वह बलवान इंद्र हमें धन देने वाला होवे। बलवान, धन की वृष्टि करने वाला, कामना पूर्ण करने वाला, महान शक्तिशाली वृत्र के वध करने के लिए हम इंद्र की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, तू शत्रु के पराभव करने वाले बल से तथा सामर्थ्य से प्रसिद्ध है। हे बलवान इंद्र, तू बलवान होते हुए भी इच्छित पदार्थ को देने वाला है। हे इंद्र, तू साहस, बल और सामर्थ्य के कारण सबसे श्रेष्ठ है। जिस यज्ञ ने आकाश में लटकाकर भूमि को घुमाते हुए रखा है, उस यज्ञ ने इंद्र का यश बढ़ाया। हे इंद्र, जैसे तू अकेला ही धनों का स्वामी है, उसी प्रकार मैं भी यदि धनों का स्वामी हो जाऊं तो मेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र हो जाए। हे सोम यज्ञ करने वाले याजकों,
आनंदित शूरवीर इंद्र के लिए प्रशंसा के योग्य सोमरस का अर्पण करो। शूरवीर इंद्र के लिए प्रशंसनीय सोमरस दो। हे सबको बसाने वाले इंद्र, इस सोमरस रूपी अन्न को पी, जिससे तेरा पेट पूरा भर जाए। हे निर्भय इंद्र, तेरे आनंद के लिए यह सोमरस हम देते हैं। हे निर्भय इंद्र, तुझे आनंद हो, इसलिए ये सोमरस हम देते हैं। यह पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे सूर्य रूपी इंद्र, तू प्रसिद्ध धनवान, बलवान, मानवों के हित के लिए कार्य करने वाला और शस्त्र फेंकने वाला है, ऐसा तू अब उदय हो रहा है। प्रसिद्ध, धनवान, बलवान, मानवों का हित करने वाले और शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाले इंद्र की प्रशंसा कर। हे शत्रु को मारने वाले सूर्य रूपी इंद्र, आज तू उदय हुआ है। हे इंद्र, वह सब तेरे अधीन है, तेरे अधीन सब कुछ है। जो इंद्र शत्रु द्वारा दूर फेंके हुए तुर्वस और यद को उत्तम नीति से दूर स्थान से भी पास ले आया, ऐसा वह तरुण इंद्र हमारा मित्र है। जो इंद्र तुर्वस और यद को उत्तम मांग से सुख से ले आया, वह इंद्र हमारा मित्र है। हे इंद्र, चारों दिशाओं से शस्त्रों को फेंकने वाला, निरंतर चलने वाला राक्षस रात्रियों में हमारे ऊपर आक्रमण करने की इच्छा से न आवे, और यदि वह आ भी जाए तो तेरी सहायता से उसको हम मार दें। चारों दिशाओं से शस्त्रों को फेंकते हुए राक्षस रात्रि के समय हम पर आक्रमण न करे, और यदि वह करे भी तो तेरी सहायता से हम उसे मार दें। हे इंद्र, हमारे संरक्षण के लिए उत्तम उपभोग देने वाले, शत्रु पर विजय दिलाने वाले, सदा शत्रु को हराने वाले, श्रेष्ठ धन से हमें भर दें। हमारे संरक्षण के लिए उपभोग योग्य, शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाले, हमेशा शत्रुओं को हराने वाले श्रेष्ठ धनों से हमें भर दे। हम बड़े संग्राम में इंद्र को बुलाते हैं, छोटे युद्ध में भी इंद्र को बुलाते हैं, वृत्र के साथ होने वाले युद्ध में भी सहायता करने वाले तथा वज्र धारण करने वाले इंद्र को हम बुलाते हैं। हम बड़े तथा छोटे संग्रामों में तथा वृत्र के आक्रमणों में सहायता करने वाले तथा वज्र को धारण करने वाले इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। इंद्र ने कद्र ऋषि के सोमरस को पी लिया, हजारों भुजाओं वाले शत्रुओं को युद्ध में मारा, उसमें इंद्र का सामर्थ्य प्रकट हुआ। हजारों सैनिकों को रखने वाला सहस्त्रबाहु नामक शत्रु को मारा, उससे इंद्र की शक्ति चमकी। हे बलवान इंद्र, तुझे पाने की इच्छा करने वाले हम तुझे सामने से नमस्कार करते हैं। हे सबको निवास देने वाले इंद्र, इस हमारे स्तोत्र के भाव को समझ। जो ऋत्विज आगे होकर अग्नि को जलाते हैं, जिनका तरुण इंद्र मित्र है, जिसके लिए वे क्रम से आसन को फैलाते हैं, सब शत्रुओं का नाश कर विघ्न डालने वाले शत्रुओं को हरा, उसके बाद चाहने योग्य धन हमें भरपूर दे। सब शत्रुओं का नाश कर विघ्न करने वाले शत्रुओं को हरा, चाहने योग्य धन को हमें भरपूर दे। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। इन मरुतों के हाथों में चाबुक है, वे जो शब्द करते हैं उनको मैं यहीं होने के समान सुनता हूँ। वह ध्वनि युद्ध में अद्भुत शक्ति को दिखाता है, युद्ध में आश्चर्यजनक सामर्थ्य दिखाता है। हे इंद्र, ये सोमयाग करने वाले मित्र जाल को हाथ में लिए हुए शिकारी जैसे पशु को देखते हैं, उसी तरह एकाग्रचित्त होकर तुझे विशेष करके देखते हैं। सब प्रजाएं इसके स्तोत्र को सुनने के लिए जिस प्रकार समुद्र की ओर नदियां दौड़ती हैं, उस प्रकार सब मिलकर नम्र होकर बैठती हैं। मन्यु क्रोध स्तोत्र मननीय वचन, देवों के ये संरक्षण निश्चय से महान हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन देवों से मिलने वाले संरक्षणों को अपने संरक्षण के लिए हम स्वीकार करते हैं। देवों से मिलने वाले संरक्षण निश्चय से महान हैं। हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले संरक्षण के साधनों को अपनी रक्षा के लिए हम स्वीकार करते हैं। हे ब्राह्मणस्पते, सोम यज्ञ करने वाले कक्षीवान को, जो उषिक का पुत्र है, प्रकाशमान कर। बित्र राक्षस को मारने वाला, जिसके लिए बहुत से लोग सोमरस तैयार करते हैं, वह इंद्र हमारी इच्छा को जानने वाला यहाँ होवे। वह सामर्थ्यवान इंद्र हमारी स्तुति सुने।
हे सूर्य देव, हमें आज पुत्र पौत्र से युक्त ऐश्वर्य धन दे। दुखदायक स्वप्नों को लाने वाले दुर्भाग्य को हमसे दूर कर। हे सविता देव, हमें आज पुत्र पौत्र से युक्त धन दे, दुख देने वाले स्वप्नों को दूर कर। वह सामर्थ्यवान तरुण, मजबूत गर्दन वाला, कभी भी किसी से न झुकने वाला कहाँ है? कौन ज्ञानी उसकी पूजा करता है? वह तरुण, बलवान, मजबूत गर्दन वाला, किसी से न झुकाया जाने वाला इंद्र कहाँ है? गर्दन जिसकी बड़ी है, किसी से न झुकाया जाने वाला, पर्वतों की उपत्यका में और नदियों के संगम पर अपनी बुद्धि से, अपनी स्तुतियों से मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है। मनुष्यों में उत्तम रीति से प्रकाशमान होने वाले, स्तोत्रों से स्तुति करने के योग्य, शत्रुओं को पराजित करने वाले नेता महान इंद्र की स्तुति कर। मनुष्यों में सम्राट, शत्रुओं को हराने वाले नेता महान इंद्र की स्तुति करो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र ने विशेष हवन करने वाले सुदक्ष के जौ के आटे और दूध से मिश्रित सोमरस रूपी अन्न को खाया। अनेकों प्रकार के धन रखने वाले इंद्र जिस प्रकार दूध देने वाली गायें अपने बछड़ों के पास जाती हैं, उसी प्रकार तुझे ये स्तोत्र बार बार प्राप्त होते हैं, तेरी बार बार स्तुति करते हैं। इस गतिमान चंद्र के घर में चंद्रमंडल में त्वष्टा इस सूर्य का रात्रि के समय छिप जाने वाला प्रसिद्ध तेज है, ऐसा लोग मानते हैं। जब बहुत बलवान इंद्र बड़े बड़े प्रवाहों के रूप में बहने वाले वर्षा से आए हुए जल को बहाता है, तब पूषा उसका सहायक होता है। धनवान मरुतों की माता रथों में जोड़ी हुई और उनको खींचने वाली गाय अन्न देने की इच्छा करती हुई दूध देती है। हे सोम रसों के स्वामी इंद्र, अपने घोड़ों से हमारे सोम यज्ञ में आ, घोड़ों से हमारे यज्ञ में आ। हमारे यज्ञ में इंद्र की प्रशंसा करते हुए यज्ञ करने वाले होता गण अवभृत स्नान होने तक अपने बल से इंद्र के लिए आहुति देते हैं। मैंने पालन करने वाले यज्ञ रूपी इंद्र की बुद्धि को अपनी ओर मोड़ लिया है, इस कारण मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ, जिसकी सहायता से हम अन्न युक्त होकर आनंदित होते हैं। इंद्र के साथ हर्ष से युक्त होकर हमारी वह गाय दूध और घी देने वाली होकर अधिक बल देने वाली हो। रथ पर बैठने योग्य सोम और पूषा सब मनुष्यों को उत्साह देने वाले हैं। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमह खंड। तुम सब शत्रुओं के नाश करने वाले, सैकड़ों कर्म करने वाले, मनुष्यों में महान सामर्थ्यशाली सोमरस पीने वाले इंद्र का विशेष स्तुति से गान करो। सब शत्रुओं के नाश करने वाले, सैकड़ों कर्म करने वाले, प्रजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र के गुणों का स्तुति से गान करो। हे मित्रों, तुम हरि नाम के घोड़ों को रखने वाले, सोम पीने वाले, इंद्र के लिए आनंद देने वाले स्तोत्रों को गाओ। हे इंद्र, तुझसे मित्रता करने की इच्छा वाले और तेरे मित्र हम, तेरी स्तुति करने की इच्छा रखने वाले कण्व भी स्तोत्रों से तेरी प्रशंसा करते हैं। आनंद के स्वभाव वाले इंद्र के लिए निकाले गए सोम रस की हमारी वाणियां प्रशंसा करें। स्तुति करने वाले इस पूज्य सोम की अर्चना करें। हे इंद्र, यह सोम रस तेरे लिए रखे गए आसन पर शुद्ध करके रखा हुआ है, इसके पास आ, दौड़ कर आ और पी। हमारे संरक्षण के लिए सुंदर रूप को बनाने वाले इंद्र को प्रतिदिन जिस प्रकार दूध दूहने के समय उत्तम दूध देने वाली गाय को बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम बुलाते हैं। अपने संरक्षण के लिए सुंदर रूप बनाने वाले इंद्र के लिए हम प्रतिदिन स्तुति करते हैं। हे बलवान इंद्र, तुझे सोम यज्ञ में सोम रस पीने के लिए मैं सोम रस का अर्पण करता हूँ। उस समय तृप्त करने वाले या आनंद देने वाले सोम रस को स्वीकार करो। हे इंद्र, तेरे लिए तैयार किया हुआ सोम रस बड़े और छोटे बर्तनों में भरा हुआ रखा है, इसको तू पी। हे इंद्र, तू सामर्थ्यशाली है, तू सबका स्वामी है। प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक संग्राम में अपने संरक्षण के लिए अति बलवान इंद्र को मित्र के समान व्यवहार करने वाले हम बुलाते हैं। प्रत्येक कार्य और संग्राम में अपना संरक्षण हो, इसके लिए इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। हे यज्ञ करने वालों, हे मित्रों, शीघ्र यहाँ आओ और यहाँ बैठो और इंद्र के स्तोत्रों का गान करो। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ।
हे धन के स्वामी, हे स्तुति के योग्य इंद्र, बल से तैयार किए गए इस सोम रस को तू शीघ्र ही अनुकूल होकर पी। हमारा यह इंद्र महान है और श्रेष्ठ भी है। वज्र को धारण करने वाले इंद्र का यश बढ़े, द्युलोक के समान उनका बल बढ़ता है। हे इंद्र, बड़े बड़े हाथों वाला तू हमें देने के लिए प्रशंसनीय और अनेक प्रकार से स्वीकार करने योग्य धन दाएं हाथ में ले। गायों का पालन करने वाले, सत्य के प्रचारक, सज्जनों के पालन करने वाले इंद्र की वाणी से प्रार्थना कर, जिससे कि उसकी सहायता से यज्ञ का और उस इंद्र का ज्ञान हो। सदा बढ़ने वाला विलक्षण श्रेष्ठ मित्र, यह इंद्र कौन से संरक्षण की शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आवेगा? उसी प्रकार कौन सी शक्ति से युक्त व्यवहार वाला होकर वह हमारे पास आएगा? बहुत से शत्रुओं को हराने वाले, तुम्हारी सब स्तुतियों में वर्णित उस इंद्र को अपने संरक्षण के लिए तुम अपने पास बुलाओ। बुद्धि बढ़ाने के लिए अपूर्व इंद्र को प्रिय इच्छा करने योग्य धन के दान देने वाले सद संपत्ति देव को मैंने प्राप्त किया है। हे इंद्र, तेरे मार्ग द्युलोक से नीचे हैं। जिन मार्गों से सब विश्वों को तू चलाता है, वे मार्ग हमारे यज्ञ स्थान में पहुँचते हैं। उन मार्ग से हमारे यज्ञ स्थानों को आ। हे सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र, अत्यंत कार्य करने वाले, अन्न और बल को बढ़ाने वाले धन हमें भरपूर दे, क्योंकि तू हमें सुखी करता है। हे सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, कल्याण करने वाले, अन्न और बल को हमें भरपूर दे, हमें तू सुखी करता है। यह सोमरस हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसे तेजस्वी मरुदगण पीते हैं और अश्विनी देव भी पीते हैं। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। उत्तम बल प्राप्त करने की इच्छा वाली इंद्र के पास उत्तम कार्य करने की इच्छा वाली इंद्र की माता प्रकट हुए उस इंद्र की सेवा करती हैं। हे देवों, हम कोई हानि नहीं करते और हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। वेद मंत्रों में जो कहा है उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। हम किसी की हानि नहीं करते, हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। वेद मंत्रों में जो कहा है उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। हे बृहद नामक साम का गायन करने वाले, हे प्रकाश के मार्ग से जाने वाले अथर्ववेदी ब्राह्मण, यज्ञ कर्म में जो दोष हों उन्हें दूर करने के लिए सविता देव की स्तुति कर। दोष होने पर सविता देव की स्तुति कर। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक से प्रकाशित होती है। हे अश्वदेवों, तुम्हारी हम बड़ी स्तुति करते हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे इस इंद्र ने दधीच की हड्डियों से 810 वृत्रों को मारा है। हे इंद्र, आ, अन्न रूपी सब सोम रसों से तू आनंदित होता है। अब अपने बल से बड़े शत्रुओं को भी हराने वाला हो। सामर्थ्य से यह महान शत्रु को भी हराने वाला है। हे वृत्त रूपी शत्रु को मारने वाले इंद्र, तू हमारे पास महान होकर आ। महान संरक्षण के साधनों के साथ हमारे पास आ। महान संरक्षण के साधनों के साथ हमारे पास आ। इस इंद्र का वह सामर्थ्य चमकने लगा है, जिसके कारण यह इंद्र द्युलोक और भूलोक को चमड़े के समान फैलाता है। हे इंद्र, यह सोम रस निश्चय से तेरे लिए तैयार किया गया है। उसके पास तू जाता है जैसे कबूतर गर्भ को धारण करने में समर्थ कबूतरी के पास जाता है। उसी प्रकार हमारी स्तुति तू सुनता है। यह वायु हमारे हृदय को शांति और सुख देने वाली औषधियों को लाकर देवे। वे औषधियाँ हमारी आयु को लंबी करें। यह वायु हमारे हृदय को सुख और आरोग्य देने वाली औषधियों को लाकर देवे। हमारी उम्र लंबी करे। यह सातवां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं वह मनुष्य किसी से भी नहीं दबाया जा सकता। ज्ञानी देव जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं दबा सकता। हे इंद्र, पहले के समान हमें उत्तम गायों के समूह, उत्तम घोड़े और रथ तथा यश बढ़ाने वाले धन देने की इच्छा से हमारे पास आ। हे इंद्र, तेरी ये गायें यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं और घी देने वाले दूध को दुहती हैं। हे अनेक नामों वाले और बहुतों के प्रशंसित इंद्र, प्रत्येक सोम यज्ञ में जहाँ तू जाता है वहाँ इस गाय की इच्छा करने वाली स्तुति से हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्रता करने वाली, अन्न देने वाली, बुद्धि की सहायता से धन देने वाली विद्या देवी अन्नों से हमारे यज्ञ को पूर्ण करे।
प्रजाजनों में इस इंद्र को कौन भला तृप्त करता है? वह इंद्र हमें भरपूर धन देवे। हे इंद्र, तू आ, हमने तेरे लिए सोमरस उत्तम रीति से तैयार किया है, इस सोमरस को तू पी, मेरे इस आसन पर बैठ। मित्र अर्यमा और वरुण इन तीनों से मिलने वाले दूसरों के द्वारा सहने में कठिन ऐसे महान संरक्षण हमारे लिए हों। तेजस्वी, दूसरों को हराने में समर्थ महान संरक्षण हमें मिले। बहुत से धन को अपने पास रखने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, घोड़ों पर बैठने वाले इंद्र, तुझसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहें। यहाँ आठवां खंड समाप्त हुआ। नौमह खंड। हे इंद्र, ये सोमरस उत्तम आनंद देवें। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तू हमें धन दे, और ज्ञान से द्वेष करने वाले शत्रुओं को तू मार। हमें धन दे, ज्ञान से द्वेष करने वाले को तू मार। हे स्तुति के योग्य इंद्र, हमारे द्वारा निकाले गए सोमरसों को पी, क्योंकि सोमरस की धाराओं से सींचा जाता है। और हे इंद्र, तेरी सहायता से यश मिलता है, तेरी सहायता से यश मिलता है। यह इंद्र सदा तुम्हारे पास है, वह पूजित होता हुआ तुम्हारे यज्ञ की ओर आकर्षित होता है। हमारे द्वारा स्वीकार किया गया इंद्रदेव महान वीर है। हे इंद्र, जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार ये सोमरस तुम में प्रविष्ट हों। हे इंद्र, तुमसे बढ़कर और कोई महान नहीं है। साम गान करने वाले मनुष्य इंद्र को ही बृहद साम को गाकर प्रसन्न करते हैं। पूजा करने वाले मनुष्य स्तोत्रों से उसी की पूजा करते हैं। हमारी वाणी इंद्र का ही गान करती है। इंद्र श्रेष्ठ धन हमें देवें, हमें अन्न के लिए कारीगर देवें। बलवान इंद्र हमें धन देवें। स्थिर और चंचल यह ज्ञानी इंद्र महान भय को शीघ्र ही दूर करता है और उन भयों को स्थान से हटा देता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला और ज्ञानी वह इंद्र महान भय को दूर करता है और उन्हें स्थान से हटा भी देता है। हे स्तुति के योग्य इंद्र, प्रत्येक यज्ञ में ये हमारी स्तुतियाँ तुझे ही, जिस प्रकार बछड़े को दूध देने वाली गायें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार प्राप्त होती हैं। इंद्र और पूषा इन देवताओं को हम अपने कल्याण के लिए, मित्रता के लिए और अन्न की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके बुलाते हैं। हे शत्रुओं को मारने वाले इंद्र, तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है और महान भी कोई नहीं है। जैसा तू है वैसा दूसरा कोई नहीं है। हे वृत्तनाशक इंद्र, तुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यहाँ नवा खंड समाप्त हुआ। दशमा खंड। तुम लोगों को दुख से पार कराने वाले, शत्रु को भय दिखाने वाले, गायों से मिलने वाले, अन्न का दान करने वाले तथा सदा उन्नत रहने वाले इंद्र की मैं प्रशंसा करता हूँ। सबका संरक्षण करने वाले और शत्रु को भय देने वाले इंद्र की हम सदा स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तेरी स्तुति के लिए स्तोत्रों को मैंने तैयार किया है। ये स्तुतियाँ बलवान और सबका पालन करने वाले तुझे प्राप्त हुई हैं तथा उनका तूने सेवन किया है। द्रोह न करने वाले मरुत, मित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, वह मनुष्य निश्चय से उत्तम मार्ग पर चलने वाला होता है। जिसका द्रोह न करने वाले देव संरक्षण करते हैं, वह मनुष्य उत्तम मार्ग से जाने वाला होता है। हे इंद्र, जो धन तूने मजबूत खजाने में रखा हुआ है, जो धन स्थिर स्थान में रखा हुआ है, जो भूमि में रखा हुआ है, उस उत्तम धन को हमें भरपूर दे। शत्रु के मारने वाले बल को तुमने सुना ही है। मनुष्यों में महान धन की प्राप्ति के लिए उस बल को उपभोग के लिए तुम्हें देता हूँ। हे वीर इंद्र, तेरा यश सुनने के लिए बहुत से अवसर हमें मिले। हे सामर्थ्यवान इंद्र, तेरे समान श्रेष्ठ देवता के संरक्षण में आनंदित होने के लिए हमें पर्याप्त अवसर मिले। हे इंद्र, भुजे हुए दही और सत्तू से मिश्रित पुओं के साथ तथा स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते हैं, ऐसे हमारे सोम रस को सवेरे सेवन कर। जब सब शत्रु की सेनाओं को हरा दिया, तब इंद्र ने जलों के झाग से नमुच के सिर को तोड़ा। शीघ्र न अच्छा होने वाला रोग, शीघ्र अच्छा न होने वाला रोग समुद्री झाग के अनुपान से ठीक हो जाता है। हे इंद्र, तेरे लिए ये सोमरस निकाल कर तैयार किए गए हैं, और जो रस निकाल कर तैयार किए गए हैं, हे बहुत सारा धन पास में रखने वाले इंद्र, उन सोमरसों से तू आनंदित हो। हे तेजस्वी धन पास में रखने वाले इंद्र, तेरे लिए ये सोमरस निकाल कर तैयार किए गए हैं,
और आसन फैलाकर रखा हुआ है। हे इंद्र, इस कुशासन पर बैठ और सोम पी तथा उपासकों को सुखी कर। यहाँ दसवां खंड समाप्त हुआ।